जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। बेटा वो गलती से जो आपके सेशन था, लिंक था, जो वो गलती से डिलीट हो गया, तो अगेन हम लोग आपके सामने लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है आप लोग आ जाइए, और जितना जल्दी से आपके पास, जैसे आपके पास एग्जाम आ जाता है, सबसे पहले आप लोग एग्जाम हमें सेंड कीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से आज कोशिश की जाएगी कि 100 के 100 क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जाए। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग सभी आ जाइए। ओके बिल्कुल भाई, जिसके पास भी एग्जाम आ जाता है तो आप लोग हमें भेज सकते हो। ये तो नहीं तो दोबारा भेज उसको। चलो भाई, ओके जिसके पास भी एग्जाम आ जाता है बच्चे, आपको भेजना, मैं आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, जिसके पास भी पीडीएफ आ जाए, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि एक एक क्वेश्चन का अच्छे से आपको सॉल्यूशन दिया जाए, आज कोशिश है कि 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका मिस होगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके ले भाई, ये है, आप इस पे जितना जल्दी हो सकता है अपने पीडीएफ डाल दीजिए। ठीक है, और जितने भी बच्चे अभी हैं बेटा, जिसका आज शाम को एग्जाम है, या जिसका भी कल एग्जाम है, या दो को एग्जाम है, आपके लिए ये जो एनालिसिस होगा सबसे मेन होगा, सबसे मेन होगा। क्योंकि आज का जैसा एग्जाम आएगा, जैसे आपने पहले भी देखा फीमेल कॉन्स्टेबल हुआ था, या कोई भी एग्जाम देखा एसआई का, तो जो पहला एग्जाम होता है कंप्लीट, बाकी सभी एग्जाम उसी के बेस पे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो, कोशिश कीजिएगा एक एक बच्चा बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को देखेगा, उसी के बेस पे आपको देखो, जिसका दो को एग्जाम है उसको तो आज का दिन भी मिल गया, कल का दिन भी मिल गया, जिसका कल का एग्जाम है तो उसको आज का दिन मिल गया है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखेगा, हमें बताइएगा कि जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया गया है, क्या आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत की है या नहीं की है। तो सभी बच्चे बिल्कुल जल्दी से सबसे पहले इस लिंक को आप शेयर कीजिए, मुझे यहाँ पे विद इन 5 मिनट यहाँ पे 1000+ बच्चा मुझे देखना चाहिए एग्जाम आने से पहले। और जैसे ही एग्जाम आता है आज मैक्सिमम जगह लिंक को फैला देना, क्योंकि कंप्लीट टीम यहाँ पे आ चुकी है, हम लोग बिल्कुल 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा आपका, ठीक है जी। सभी को नमस्कार साथियों, और एक बार आप लोग जो है पीडीएफ सेंड कर दीजिए अपना, और फिर हम लोग जो है इसका सारा सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। और एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, और मुझे आशा है कि आप सभी का पेपर जो है अच्छा हुआ होगा। जितने हमसे जुड़े हुए बच्चे थे और उनका जो है पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। जितने लोग भी थे, कैसा रहा पेपर आपका, और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, इन सब चीजों का जो है एक बार आप कमेंट करिए। और बाकी का जो सेकंड शिफ्ट है, इस बिहाब पे चीजों को अभी देखने के बाद कुछ बच्चे जो है अपने आप को तैयार रखिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आया इस बार सुबह में, ठीक है जी। तो सभी को नमस्कार, पेपर ठीक है, चलो। और आप लोग बताइए अपने बारे में, क्वेश्चंस कैसा रहा है, क्या क्वेश्चन जो है आपको याद हो तो कमेंट करिए, ठीक है। और हम लोग जो है आपके पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, फिर अभी हम लोग जो है आपको पूरा देंगे आपका जितना भी जो है पेपर है। एक इजी था, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर इजी था, ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं पेपर इजी था, तो ऐसा है फिर, ठीक है। आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिए चीजों को। चलो भाई, जितना जल्दी हो सकता है बच्चे इस लिंक को फैला दीजिए भाई, आग लगाने का टाइम आज का, फुल जोश में हो। Thank you.
ठीक है, अब आ गया, नहीं आवाज आ गई, मैंने माइक बंद किया। हाँ चलो भाई, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने यही बोला है कि भाई एग्जाम तो एजी ही आएगा, और आपके लिए एजी आएगा, बाकी सभी के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपको पढ़ाया ही इतना गया है, आपको इतनी चीजें दे दी गई हैं, कोई भी सेक्शन आप उठा के देखो ना, आपको इतनी चीजें पढ़ा दी गई हैं, तो एग्जाम तो ऑटोमेटिक ही अपने आप आपको इजी लगेगा, ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन का बच्चा हो चाहे यहाँ का बच्चा हो, ठीक है। जैसे ही एग्जाम आपके पास आता है, कोशिश कीजिएगा सबसे पहले एग्जाम हमें देने की, अच्छे से उसकी पिक लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप, पता नहीं आजकल बच्चे भी ऐसे हैं कि मोबाइल को ऐसे रखेंगे एकदम कुछ नहीं होगा आप लोगों का ना। अच्छा आ गया भाई, ओके, हाँ अभी लगा देता हूँ भाई, मैं एक सेकंड में लगा देता हूँ, बिल्कुल एग्जाम हमें मिल चुका है, एक बार देख लेता हूँ साफ है या नहीं है। ये क्या पहले सॉल्यूशन भेज दिया है? अच्छा आंसर की भेजिए, तो ये कैसे भेज दिया सर उन्होंने, ये क्या भेज दिया आप लोगों ने, आप लोग भी मजे लेते हो आजकल है। हाँ आ गया भैया, एग्जाम आ गया, बस जल्दी से लगा देंगे हम लोग, आप लोग आ जाओ। इंग्लिश हिंदी पांच पांच क्वेश्चन आए हुए हैं, वाह मत पढ़ो इंग्लिश आप लोग, हैं अकल आ जाएगी आप लोगों को। भेज दो भाई, भेज दो जितना जल्दी सबको देखने के लिए भाई, आप लोग जो है भेजिए अपना पेपर, ठीक है। और जैसा कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इंग्लिश के पांच क्वेश्चन और हिंदी के पांच क्वेश्चन जहां आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी देखिएगा अगले जो शिफ्ट में आप लोग जाओगे तो इंग्लिश हिंदी का भी फोकस करना है। हाँ ठीक है, ज्यादा घबराइएगा नहीं, जो हो गया है हो चुका है, तो लेकिन अगले बार ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी पे अगला जो एग्जाम होगा 31 फर्स्ट को है ना, तो फिर हाँ, तो फर्स्ट को और सेकेंड वाले एग्जाम वाले ध्यान रखिएगा, इंग्लिश हिंदी का भी वेटेज है, पांच पांच क्वेश्चन है, तो उसका जो है फोकस करके जो है आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, अपना तैयारी कर लीजिएगा उस हिसाब से। और ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दीजिए, कुछ बच्चों का पेपर आया हुआ है लेकिन वो जो है फोटो में है, पीडीएफ आप लोग सेंड कर दीजिए, नंबर आपको दिया हुआ है, ये नंबर है आपका, ठीक है। और फोकस करिए सर आप लोग जो है कि चीजों को हिंदी इंग्लिश पे भी फोकस करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि बस जो है चीजें अपना जो है वही मैथ और रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग तो सभी लोग करेंगे, सभी लोगों का ध्यान होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिन पे सबका ध्यान नहीं होता, वो सोचते हैं हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को जो है इस चीज पे फोकस रखना है, और आप लोग जो है बताते जाइए क्या क्या चीजें रहा, एक आ क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए जो याद हो आप लोगों को, ठीक है, जो याद हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट करिए, ऐसा कोई जो क्वेश्चन है। और हमारे सर आ चुके हैं साइंस के सर, ठीक है, आपकी पीडीएफ आ गई है, बस हम लोग अभी इसको लगा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाइए और शेयर कर दीजिए, बच्चों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम लोग जो है आपको सारा सॉल्यूशन देने वाले हैं अभी के अभी, तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, 790 अभी जो है तो आप लोग जो है इसको 1000 प्लस करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए आप लोग, ठीक है, टारगेट रखिए 1000 प्लस, फिर सॉल्यूशन आप लोगों को हम अभी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हमारी टीम, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई, एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, टीम आ चुकी है हमारी, जी जी नितिन जी पूरी टीम आ चुकी है, आप घबराओ नहीं, आपका पीडीएफ भी लग रहा है,
अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए आपका पेपर आ चुका है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये रीजनिंग का सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है। इसके बाद आपका ये साइंस से सवाल पूछा गया है, या इसको कह सकते हो आप कंप्यूटर का सवाल है। इसके बाद आपका ये है आपका, और ये भी है, ये मैथ का है, ठीक है, अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका, ठीक है, और एक बार जो है पेपर का सेट जो है आप लोग जो है प्रोवाइड कर दीजिए, थोड़ा ये कटा हुआ है इंग्लिश वाला मैटर, तो आप लोग एक पेपर जो है प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें आपका अच्छे से जो आपका ये कटा हुआ ना हो, ठीक है, कटा हुआ है अभी, और आप लोग जो है शेयर कर दीजिए बच्चे, बहुत अच्छा आप लोग जो है शेयर किए, और भी शेयर करिए, जितने बच्चे आपके इस बार शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उन सभी लोगों को आप बुलाइए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। और ये आपका पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप बताओ इसका आंसर क्या आपने लगाया है। मैं 10 मीटर पूर्व में गया फिर उत्तर में मुड़ा, 10 मीटर पूर्व में गया, और एक बार देखिएगा विजिबल है क्या, दिख रहा है क्या आप सभी लोगों को, पेपर दिख रहा है ये जो आपका पेपर है, जो पीडीएफ है, ये आपको दिख रहा है क्या, आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ दिखाते हैं पेपर पूरा दिखाते हैं सर, ये जूम कैसे होता है इसमें, सॉरी अच्छा इसे जूम होगा ना, नहीं ऊपर ऊपर नीचे, हाँ देखिए ये क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर वन है आपका, ये रीजनिंग का था। इसके बाद आपका जो है ये आपके कंप्यूटर से आप ले सकते हो, ये आपका मैथ का है, ठीक है। इसके बाद ये चौथा नंबर इंडियन पीनल कोड से आईपीसी से पूछा गया है, आईपीसी का सवाल हो गया। पांचवा नंबर आपका देखिए रीजनिंग का सवाल है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपके साइंस का हो गया, वायुमंडलीय गैस के प्रमुख संगठक, ठीक है। इसके बाद नहीं, सेट सेट अलग होगा ना, ठीक है जी। एक बार जो है आप लोग अपना सेट भेजिएगा, हाँ सॉल्व भी कराएंगे, अभी सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। अलग अलग से आपके हमारे यहाँ जो टीम है वो सारी टीम अलग अलग से कराएगी चीजों को, तो आप लोग ध्यान देना इस चीज को। तो अभी हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है जी, आप लोग जो है एग्जाम पेपर जो है आपको नंबर हमने दिया था, एक बार मैं इसको
भाई एक ना एग्जाम हम लोग चेक करने लगे हैं, कई 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 एग्जाम हैं, कई एग्जाम अलग अलग आए हुए हैं बेटा, तो उसको एक बार चेक करने लगे हैं, इसलिए हमें टाइम लगा हुआ सोल्यूशन। अभी ना दो तीन एग्जाम आ चुके हैं, ये नहीं पता कि आज एक ही एग्जाम आया है, दो एग्जाम दिए गए हैं, तीन एग्जाम दिए गए हैं, पता नहीं है, उसको देखने लगे हुए हैं, इसलिए टाइम लगा। देखो तीन तीन पीडीएफ आ चुके, तीनों में एग्जाम अलग है। अब बाकी जगह भी हम लोगों ने चेक किया, वहां भी एग्जाम अलग है, ठीक है, तो देखने लगे हुए हैं, इसलिए टाइम लगा हुआ। जैसे ही हमें हाँ देखो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है, किसी बच्चे के एग्जाम में, जो बच्चा एग्जाम दे के आया, यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है तो आप लोग हमें बताइए कि हाँ यही एग्जाम है। आप लोग बता सकते हो कि ये जो एग्जाम दिया गया ये एग्जाम था या नहीं था, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। हाँ पीडीएफ दे देंगे आपको, पीडीएफ मिल जाएगा, पहले ये बताओ कि ये एग्जाम था या नहीं था। हाँ पांच सेट हैं, फाइव सेट हैं, पांच सेट दिए गए हैं। हाँ 9 4 6 7 4 6 0 6 2 4 तो एक और एग्जाम आ गया भाई साहब, ये तो पांच एग्जाम है भाई, हैं पांच एग्जाम थे, पांच एग्जाम थे ना भाई। अब पांच के पांच का सॉल्यूशन कैसे दें, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, हैं यही था। हाँ चलो मैं एक एग्जाम लगाता हूँ, पकड़ो वो अच्छा एग्जाम साफ ही। ठीक है जी, तो आप सभी लोगों के जो पेपर क्लियर कर दीजिए, जो कल जो अभी हमने लगाया था वही पीडीएफ था आपका, ठीक है वही पीडीएफ था, तो हम लोग उसको दिखा देते हैं आपको। पांच सेट थे, मोंटी राव कह रहे हैं पांच सेट थे पेपर का, ठीक है बहुत बढ़िया। और इसके बाद हमें जो मिला था हम उसको एक बार देखते हैं, क्वेश्चंस को दिखाते हैं आपको और आप लोग बताइएगा चीजों को, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, हम लोग लगाते हैं उसको। डाउनलोड किए थे कैसे बिल्कुल ठीक है जी, तो आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए, शेयर कर दीजिए, बस आपका पेपर खुलने वाला है। और इसके बाद आप लोग जो है एक बार हमें ये बताइए, सेट आपका पांच हुआ है या तीन हुआ है। दूसरी चीज जो जो और क्वेश्चंस पेपर का सेट पता नहीं चल रहा है कि पेपर जो है कितने आए हैं। बच्चों आप एक बार नंबर हमने दिया था उस पे, जो आपने रियल पेपर जो दिया है उसको एक बार शेयर करो आप, ठीक है। तो पीडीएफ जो है आपके, हमारे पास कई सारे पीडीएफ आ चुके हैं, तो ये आपका पीडीएफ जो है पहला आपको जो दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ हम सॉल्व करा रहे हैं, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ठीक है जी। तो अब ये खुल रहा है आपका, एक बार देखिएगा इसमें, ये पेपर आपका था आज का और ये पहला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चीजों को। आप लोगों के पेपर ही कई सारे हो चुके हैं और पता ही नहीं चल रहा था कौन सा पेपर क्या है, ठीक है। कई सारे पेपर आ चुके थे, अब ये आपका पेपर है, इसको तब तक हम लोग देखते हैं, बाकी का पेपर भी सॉल्यूशन देंगे, वो एक ही सेट होगा अलग अलग। ये तो यहाँ से बैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी आपका क्वेश्चन सर लगा रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन आप देखो, ये आपको विजिबल विजिबिलिटी है इसका, आप बताइएगा एक बार कि ये क्या आपको दिख रहा है क्या ये।
दिख रहा है ये क्वेश्चंस आपको? वैसे तो दिख नहीं रहा है सर, पीछे। ठीक है, आप बताइएगा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिख रहा हो तो एक बार कमेंट करिए। ठीक है जी, कमेंट करिएगा एक बार, दिख रहा है तो। चलिए तो भाई आपका पेपर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और एक बार देखिए, एक बार देखिए भाई, थोड़ा कंफ्यूजन था पेपर का, कई सारे आपके थे। आप देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और कमेंट करिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, बच्चों का कमेंट आ रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है जी, देखिए एक बार, आप बताइएगा इसको, आप बताइएगा क्या हो। अब ये क्वेश्चन आपका है, अब देखिए आप, अब देखिए आप क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आप बताओ ये क्वेश्चन दिख रहा है, पहले नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? आप देखिए, हाँ ओके ठीक है। चलिए देखो, अब आप ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, और ये आपका क्वेश्चन सर, अब इंग्लिश, इंग्लिश के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले हमारे सर लेके आ रहे हैं, बायो वाले सर आपके जो फेवरेट सर हैं, और बायो के लिए आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपका हो चुका है, और उसे आप लोग जो है देखिएगा सर, आपका बायो के क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, तो सर आ चुके हैं अब आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायो के हमेशा से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और इस बार भी यही हुआ है कि आपके बायो के 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला पेज। अगर हम पहले पेज की बात करें तो पहले पेज पे जो तीसरा प्रश्न है, अगर आप वो देखें, वो कहता है इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बायसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप्स इज नेसेसरी, द स्टेप इज रेफर्ड टू एज। बताइए भाई, यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है और फूलों की कली के खिलने से पहले ही फोरसेप का उपयोग कर पराग कोशों से पराग केसर को हटाना जरूरी है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो बेटा आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देख लो वो कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको, जो मेरे ऐप के बच्चे हैं या जो मेरे YouTube के बच्चे हैं, दोनों ही देख लीजिए, दोनों को मैंने एक बात बताई थी। जब मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने कुछ इस प्रकार से आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर इंसेक्ट या कोई पानी या हवा आती है तो यहां से पराकोश उठकर वर्तिकाग्र पर जाता है और फिर यहां पर एग से मिल जाता है और भ्रूण बना लेता है। ठीक है, ये मैंने बात बताई थी। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि फीमेल पेरेंट बियर्स बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यानी कि बेसिकली वो क्या कह रहा है कि हमने एक फ्लावर लिया, एक फीमेल फ्लावर लिया जो कि बायसेक्सुअल इन नेचर है। क्या है? बायसेक्सुअल इन नेचर। और फिर उसमें से हमने एंथर को हटा दिया बाय द फोरसेप्स, उससे पहले कि एंथर अपने पराग यहां तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसका सही जवाब है। क्या है? सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन के बाद सीधा जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया 44th। देखिएगा 44th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार।
और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्वेश्चंस ये कराए हैं या नहीं कराए हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो मैंने आज आपको बताया, वो मैंने नहीं बताया था आपको। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। यहां पर बात करेंगे कोरल्स की। कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, इसका जो स्केलेटन है किससे बना होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये मैं आपको की पीडीएफ भी दिखा दूंगा, मैंने पीडीएफ के अंदर डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो पक्षियों की हड्डियां होती है ना, वो अंदर से खोखली होती हैं, जिसकी वजह से वो हल्की होती हैं। और कोरल्स क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे, जैसे कि हम बात करें सीप की, जिसके अंदर मोती होता है, वो कोरल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरल कहलाता है। यानी कि कोरल कौन से फाइलम में आते हैं? मोलस्का फाइलम में आते हैं। अगर आपको शब्द याद हो, मैंने आपको मोलस्का डिस्कस करवाया था। और इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जिसकी वजह से ये किससे बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, CaCO3 से बनी होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। भाई अगर किसी ने मेरी पहली क्लास सेल वाली ली होती तो वो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से अटेम्प्ट कर देता। मैंने आपको दो तरह की चीजें बताई थी। मैंने आपको बताई थी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बताई थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में मैंने आपको बताया था कि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं? राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। और जब भी राइबोसोम एक साथ जुड़ते हैं तो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पॉली। क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? पॉली। तो यहां पर या तो बोलेंगे इसको पॉलीराइबोसोम्स या फिर बोलेंगे पॉलीजोम, बात एक ही है। तो वो बस वहां पर RER की जगह उसने mRNA दे दिया है और बाकी कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाता है आपका पॉलीजोम। क्या हो जाता है? पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। बेटा ये मैंने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया था जब हम क्या कहते हैं ऐप पर क्लास कर रहे थे, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर मैंने आपको डिफरेंस भी शो किया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। उसके बाद 67, 10-10 की दूरी पर क्वेश्चन है भाई। 67th क्वेश्चन, 67th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक बार क्लास को सभी बच्चे शेयर कर देंगे। देखो भाई ये मैंने बहुत बार बताया 67th क्वेश्चन, मेनी टाइम्स बहुत बार बताया मैंने आपको। ये तक बताया मैंने कहा कुछ जीवाणु, कुछ जो परजीवी हैं, जो विषाणु हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे शरीर से पोषण लेते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो इसमें किसका फायदा होता है? इसमें तो जीवाणु, विषाणु और परजीवी का या कवक का ही फायदा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को जिसके अंदर एक ही का बेनिफिट हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो रात को आपसे कहती है 500 का रिचार्ज करा दो। ठीक है, आप करा देते हो लेकिन बातें किसी और से हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है? उस गर्लफ्रेंड का हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो जिस रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही का फायदा हो, ऐसे को पैरासिटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीविता कहा जाता है। बहुत बार बताया है ये मैंने। ठीक है, बहुत बार बताया है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे, दो क्वेश्चन और रह गए आपके, जो आपके पेपर में आए हैं बायो बायो के। एक है 69, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया जब मैंने आपको प्लांट टाइप्स पढ़ाई थी।
प्लांट टाइप्स के प्लांट पार्ट्स में मैंने आपको रूट, स्टेम, लीव्स और इनफ्लोरेसेंस यानी कि फूलों के गुच्छे पढ़ाए थे। तो मैंने फूलों के गुच्छे के एग्जाम्पल आपको दिए थे कि फूलों का गुच्छा होता है कोरिएंडर, फूल गोभी है ना, वो क्या है, फूलों का गुच्छा है। कोरिएंडर धनिया ये भी एक फूलों का गुच्छा है, तो वो इनफ्लोरेसेंस ही पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इनफ्लोरेसेंस। अमेबल पुष्पक्रम, पुष्पक्रम क्या है, इनमें से पुष्पक्रम कौन से है, वो है कोरिएंडर। कौन से है, ठीक है, चलिए। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है 78 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कालाजार डिजीज, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, कालाजार जिसको लेशमैनियासिस भी कहते हैं, ये किस परजीवी से होती है, लेशमैनिया डोनावानी। ये क्वेश्चन का भी पीडीएफ मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर सकता हूं। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें से दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं, दो नहीं एक, एक क्वेश्चन ऐसे आया है जो मैंने आपको डिस्कस किया ही नहीं था। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए थे, तो बाकी के सब की आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आएंगे हमारे अनिल सर आपके सामने। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई देखो बच्चों, एग्जाम कई आए हुए हैं, जिसका भी एग्जाम हमें जो मिला है हम लोगों ने वो लगा दिया है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि जिसका भी एग्जाम ये है वो अच्छे से चेक कीजिएगा। बाकी तीनों एग्जाम देखे हैं, एग्जाम का जो लेवल है वो कुछ ज्यादा किया गया है, बताऊंगा मैं आपको, सभी का सोल्यूशन हो जाए। एग्जाम में क्या किया गया, अलग क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इंग्लिश का जो सेक्शन है, भाई साहब सपने में भी नहीं सोच सकते कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं। देखो ये आपका यहां पे है इंग्लिश का सेक्शन, देखो भाई इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, ये बैंक का क्वेश्चन है। भाई साहब आज तक एसएससी सीजीएल मेंस भी दिया होगा आप लोगों ने किसी ने, तो आज तक कभी सीजीएल की भी इतनी औकात नहीं हुई है कि ये क्वेश्चन डाल दे। औकात बैंक की भी नहीं हुई है, क्योंकि बैंक भी आज के टाइम में क्वेश्चन देना छोड़ चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग होता है, कोई नहीं बना सकता। आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ना सीजीएल मेंस का है। बैंक में भी जब मेंस दोगे आप लोग, एसबीआई मेंस दोगे, तब जाके कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला भाई तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए बी सी, इन तीनों ऑप्शन से इस सेंटेंस को स्टार्ट करना है जो आपके सामने ये गिवन है। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस गिवन है वो तीनों ऑप्शन के ये बाद में लगेगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन के बाद में लगेगा, और इसका मतलब है कि इसका जो ये टॉपिक दिया गया है, इनका मतलब होता है भाई आपका सेंटेंस भी बन जाए, वाक्य भी हो जाए, और मीनिंग भी चेंज ना हो, मीनिंग भी चेंज ना हो। बट जिसने भी कल इंग्लिश की क्लास ली थी, मैंने आपको बोला बोथ एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में आता ही आता है, तो यहाँ पे बोथ वर्ड गिवन है। बोथ की खासियत होती है बेटा ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, तो सेंटेंस की लैंग्वेज यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव में आएगा नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन तो कैंसिल हुआ। आइदर का मतलब पॉजिटिव सेंस है, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन यहां पे सी आएगा, तो सी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का हो जाएगा, सी ऑप्शन पहले का हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन में पूछा गया भाई, क्या पूछा गया ध्यान से देख लो आप लोग, 92 में पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है ओडासियस का, सिनोनिम क्या होगा। शायद आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको कल भी वोकैब दी है, उस वोकैब में बताया, हमेशा ये वर्ड कहीं ना कहीं आगे आ जाता है ना। तो यहां से देखा जाए ओडासियस, पढ़ने में भी अजीब सा लगा ओडासियस, है ना, तो इसका मतलब होता है बोल्ड, होता है बोल्ड, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए तो बोला एग्जाम को घुमा के दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में जाओगे बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, साइंस का वर्ड है ये, तो ऐसे नहीं जाएगा। और बाइबल वर्ड होता है मतलब एक फूला हुआ टाइप में, तो बाइबल वैसे नहीं आएगा इसका। एक दिन मैंने उस दिन पहले केवल तीन वोकैब लिखवाई थी, उसके व्यूज भी काफी अच्छे चले गए थे, उस तीनों वोकैब में ये वर्ड था, यही था,
कंफाउंड है कि इसका मीनिंग भी दिया हुआ था, ठीक है वही है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा, सभी इसका लिख लेना, जिस भी बच्चे का ये एग्जाम था ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फाइनल। आगे बढ़े, चलो आगे इन्होंने एक इडियम का यूज किया गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम सीजीएल में हमेशा ही दिया जाएगा, एसएससी का एग्जाम जब दोगे ना तो वहां पे सीजीएल के एग्जाम में हमेशा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है एक प्राइवेट रीजन किसी भी चीज में शामिल होने का, या मतलब कोई भी काम आप करते हो किसी अपने पर्सनल वजह से किसी चीज में आप लोग शामिल हो जाते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा बिल्कुल भाई, है लास्ट वाली शिफ्ट में ज्यादा लगेंगे, कोई बात नहीं बेटा, आप ध्यान दीजिए ना, नलायको आज तो 2K प्लस होना चाहिए था आपसे पहले, इंग्लिश तो कोई नहीं समझाता ना वहां पे, है इंग्लिश में 2K होना चाहिए भाई आप लोगों का। हाँ मानता हूँ क्वेश्चन आएंगे, अब तो इंग्लिश पढ़ लोगे ना, पता लग गया आप लोगों को कैसे इंग्लिश आएगी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ किस दिन नहीं समझाया होगा भाई, है कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन ये क्वेश्चन ना समझाया हो? मैंने आपको बताया होगा यदि एक्यूज गिवन है ऑफ का यूज होता है, बताया तो वही एक्यूज आपके सामने, एक्यूज का मतलब था किसी पे दोष लगाना। अब एक चीज आपको बताता हूं, यहां पे हिज गिवन है, यहां पे ऑन गिवन है, या यहां पे क्या गिवन है, हिज गिवन है, यहां पे ऑन गिवन है, तो बेटा इनके बाद यदि देखा जाए तो हमें हमेशा नाउन की नीड होती है, इनके बाद किसकी नीड होती है, नाउन की नीड होती है, तो नाउन की एक पहचान होती है या तो ई एन सी मिलेगा, आई ओ एन मिलेगा, ए एन सी मिलेगा, एच डबल ओ डी आपको मिलेगा, तो कुछ चीजें ऐसी आपको मिलती है, तो यहां पे जाओगे ना जिस भी वर्ड के पीछे एबल आपको मिलेगा वो एडजेक्टिव होता है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हुआ। आई वी यदि मिलेगा तो वो भी आपका एडजेक्टिव होता है, ऑप्शन डी भी आपका गलत हुआ। डिफेंड पे जाओगे ये एक वर्ब है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, हमें नीड है यहां पे नाउन की, और नाउन की नीड है बेटा तो यहां पे ए एन सी केवल ए की ऑप्शन में डिफेंस में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ या ना, समझ आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं? तो मतलब एक बात समझ, बताओ एक बात आप लोग बताओ मुझे, मैंने आपको कभी बताया होगा कि भाई नाउन की पहचान क्या है, एडजेक्टिव की पहचान क्या है, एडवर्ब की पहचान क्या, बताई होगी ना सभी को, तो वही चीज आज यहाँ पे काम आई होगी। कल भी क्लास में देखा होगा मैंने आपको बताया होगा पोजेसिव केस यदि कभी भी गिवन हो, पोजेसिव केस में जैसे आई का माई होगा, वी का आर, यू का क्या हो जाएगा योर, ही का क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा, इनके बाद हमें हमेशा किसकी नीड होती है, नाउन की नीड होती है, तो इनके बाद तो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन मिलेगा, यदि नाउन होगा तो ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में नाउन को चेक कीजिए। अब यहाँ पे हिज गिवन है, हिज गिवन है, ये भी एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव, तो हमें यहाँ पे नीड किसका है, नाउन का नीड है, नाउन की पहचान है कि ई एन सी मिल सकता है, ए एन सी मिलेगा या आई ओ एन मिलेगा, ई एन सी केवल एक ही ऑप्शन में था, चाहे आपको मीनिंग भी ना पता हो तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, तो यहाँ पे ई एन सी गिवन है, फाइनल है। आगे लेके चलता हूं 95 क्वेश्चन पे, यहाँ पे बोला गया है इट ब्लैंक रेन टुनाइट, भाई आज बरसात हो सकती है, लेकिन हो सकती है नहीं हो सकती पक्का नहीं है, पक्का नहीं है तो संभावना कितनी हो गई, पक्का नहीं है मैं आपको बोलता हूं भाई आज ये चीज हो सकती है, लेकिन नहीं भी हो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें संभावना कितनी मानते हैं, भाई आज बरसात हो सकती है, यदि यहां पे कुछ गिवन होता भाई बादल बहुत ज्यादा है तो हम लोग मानते कि 50 से ज्यादा हो गई है, बादल कम है 50 से कम हो गई है ना, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं गिवन है तो हम इसे मानेंगे ये आपका है 50-50 आपकी संभावना है, और जब कभी भी संभावना 50-50% की होती है तो वहां पे जो यूज होगा वो हमेशा मे का यूज होगा। तो ये थे इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन, हिंदी का देख हो गया तो भाई ये आपके थे 5 क्वेश्चन, हिंदी का मैं देख लेता हूं अभी यहां पे, हिंदी का देख लेता हूँ मैं, हिंदी का आ जाएगा तो उससे पहले मैम की, अभी मैम का सेशन देख लेते हैं। चलो तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर का बता देती हूँ, पेपर मतलब क्या ही बताऊँ मैं, पेपर सुनकर जितना आपको लगा शॉकिंग उतना ही हमें भी लगा, नहीं कुछ अलग ही दिया था इन्होंने, कहते ना देखो हरियाणा का पता नहीं, हरियाणा कुछ भी कभी भी दे सकता है, ठीक है। चलो तो मैं आपको कंप्यूटर के बता देती हूँ, अभी आपका आगे आने वाली शिफ्ट में भी चलो, तो इस पेपर के आधार पर कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन आए हैं मैं उसको और ज्यादा खोलकर बता दूंगी, ताकि जिनका शाम को पेपर है, जिनका कल है, जिनका परसों को है, उनको थोड़ी सी कहते हैं ना उनको राहत की सांस मिल जाए। वैसे कंप्यूटर अच्छी पूछी थी, मैं आपको बताती हूँ जल्दी से, कैसे हो सभी लोग, अच्छे हो, सही चल रही है चीजें? हाँ देखो हरियाणा का नहीं पता, देखो कुछ नहीं पता हरियाणा का, तो डेफिनेटली
कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते ना आगे की चीजें देखते हैं। देखो पेपर जैसा भी था ये सबके लिए ही ऐसा था, पेपर जैसा भी आया है ना ये सभी के लिए ऐसा आया है, केवल एक बच्चे के लिए नहीं आया है ना। चलो तो मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बताती हूँ, स्टार्टिंग से बताती हूँ। क्वेश्चन सबसे नंबर वन पर तो कंप्यूटर का ही आया था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर वन आपका। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है, हिंदी में करूं इंग्लिश में करूं कोई सा भी मतलब चल जाएगा ना काम। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताओ जरा आंसर। इससे रिलेटेड और भी चीजें मैं आपको यहां पर बता दूंगी ना, ताकि फायदा हो जाए उन बच्चों को जिनका अब आने वाला पेपर है। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर चीजों को डाला जाता है, तो इनमें से कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी है, कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है। जब मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बताती हूँ तो मैंने आपको बताया हुआ है दो मुख्य डिवाइस के बारे में, दो मुख्य डिवाइस कौन कौन सी है, एक है कीबोर्ड, ये आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है, और दूसरी होती है माउस, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। ये दोनों मुख्य इनपुट डिवाइस हैं, बाकी तो और भी है, स्कैनर है, और अगर मैं बात करती हूँ वेबकैम है, कैमरा है, माइक, माइक्रोफोन है, तो बहुत सारी इनपुट डिवाइस है, बट इसमें कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या पूछ सकता है, तो ये मॉनिटर आपकी क्या है, मॉनिटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, बाहर की तरफ चीजें देखने का काम करते हैं ना इससे। सीपीयू क्या है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, और एक रजिस्टर नाम का, रजिस्टर अगर मैं बात करती हूँ, रजिस्टर नाम की सबसे तेज मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है, ठीक है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा मदरबोर्ड के बारे में, आंसर तो इसका कीबोर्ड रहने वाला है। आगे चलते हैं भाई, शेयर करो एक बार, कम से कम 2000 के ऊपर लेकर जाओ, ठीक है, फटाफट से, और इतना आप कर सकते हो, है ना। आगे चलूं मैं, लिख लिया इन सब चीजों के बारे में, एक कॉपी और पेन ले लेना ताकि लिखते रहो, अब तो ले लो, अब तो पेपर सर पे है। हाँ चलो आगे चलते हैं, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा खैर क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो यहां पर देखो, इनमें से किसको, किसके संदर्भ में स्क्रीन पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाएं गए पिक्सल की संख्या को कहा जाता है। जैसे ये आपकी स्क्रीन है, अब इसमें जितने पिक्सल लंबाई में और जितने पिक्सल चौड़ाई में है, अगर मैं चौड़ाई वाले से लंबाई वाले पिक्सल की गुणा कर दूं तो पूरे स्क्रीन पर जितने छोटे 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 बिंदु या पिक्सल होंगे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको रिजोल्यूशन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको रिजोल्यूशन कहा जाता है, विभेदन। मैंने आपको पहले बताया था कंप्यूटर या कोई भी सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ा करो, है ना, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट को छोड़कर। क्यों, क्योंकि पता नहीं चलता कई बार हिंदी की चीजें इंग्लिश में समझ में नहीं आती, इंग्लिश की हिंदी में नहीं आती, ठीक है। रिजोल्यूशन इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है रिजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है, किसमें मापा जाता है आपके प्रिंट को, तो डीपीआई में। डीपीआई की फुल फॉर्म हो जाती है डॉट पर इंच, जो चीजें इससे संबंधित पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछ सकता है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा ये वो है, ओके कोई नहीं। आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये वो प्रिंटर है जो पुराने टाइम में इस्तेमाल किए जाते थे, खटर पटर टकर टकर बहुत शोर शराबा करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते थे। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसी के अंदर आएगा, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर इसी के अंदर आएगा, और इन दोनों को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक बार में एक अक्षर को छापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को छापते हैं, है ना। इसके बाद में बात करती हूँ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये आधुनिक युग आज के जमाने में यूज किए जाने वाले प्रिंटर है। इसके अंदर आता है आपका इंक जेट प्रिंटर, रंगीन चीजों को छापने वाला। इसके अंदर आता है लेजर प्रिंटर, सबसे ज्यादा गुणवत्ता होती है इसके अंदर। इसके अंदर आता है थर्मल प्रिंटर, एटीएम मशीन के अंदर ऑटोमेटेड टेलर मशीन में वैक्स कोटेड पेपर के ऊपर छपाई थर्मल प्रिंटर के द्वारा की जाती है। तो ये पूरी की पूरी चीजें आएंगी। अब इंकजेट दे दिया तो भाई इंकजेट के बारे में भी देख लो। इंक जेट प्रिंटर की मैं बात करती हूँ तो इसमें चार कार्टेज होती है CMKY, इन चारों बॉटल का इस्तेमाल करके 256 तक के रंगीन कलर को निकाल सकता है ये।
अभी कौन कौन से कलर होते हैं? सी से क्यान कलर, मतलब नीला कलर, ब्लू ले लो। एम से मैजेंटा कलर, मतलब डार्क गुलाबी कलर। के से काला कर लेना इसको, ब्लैक कलर, मतलब काला कलर। वाई से येलो कलर, मतलब पीला कलर। कुल मिलाकर ये चार रंग इंकजेट प्रिंटर में छापे जाते हैं, ठीक है। और प्रिंटर कितने कर सकता है? तो प्रिंटर लगभग 256 मतलब रंगों को विस्तारित कर सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। अब कुछ भी पूछ सकता है। तो 360 डिग्री, ये तभी बोला जा रहा है कि जो आपका एनालिसिस हो रहा है ना, चाहे हिंदी के क्वेश्चन का, चाहे इंग्लिश का, चाहे साइंस का, चाहे हरियाणा जी के, चाहे स्टैटिक जी के, एनालिसिस को बड़े ध्यान से देखना। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो बच्चे करके आ गए वो अपना चेक कर लेंगे, जिनकी शाम को शिफ्ट है वो एक बार आइडिया लगा लेंगे, उनको पता चल जाएंगी चीजें, जिनका कल और परसों है वो और अच्छे से मेहनत कर लेंगे। तो इसको भाई दिखा देना, एक बार शेयर कर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये रहा URL की फुल फॉर्म, ये मैंने कल ही बताई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL किसको कहा जाता है? तो वेब पेज के एड्रेस को, जो इंटरनेट पर पेज डले होते हैं उन पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं? URL कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। URL को तीन भागों में बांटा जाता है। जब भी URL लिख लोगे तो ऐसे करके कुछ आएगा। URL को हमेशा तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग प्रोटोकॉल कहलाता है, दूसरा बीच वाला भाग आपका डोमेन नेम कहलाता है, और अंतिम वाला भाग आपका पाथ कहलाता है। और जब इस URL को शेयर कर देते हैं तो ये हाइपरलिंक बन जाता है। और हाइपरलिंक, अगर हाइपरलिंक की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, एक क्लिक दबाते ही आप दूसरे पेज पर पहुंच जाओगे। हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट नीले रंग का होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा हुआ है आपसे? ये आ गया, ये वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मॉलवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी मैंने आपको कल ही बताया था, जो आपकी मैराथन हुई थी, है ना, कल मैराथन हुई थी कंप्यूटर की, 360 डिग्री वाली क्लास। देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पढ़ना एक बार, क्या पूछा हुआ है आपसे? प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। वे प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी प्रतिलिपि अपने आप बनाते हैं, आता अकेला है पर पूरा कुंभा बसा देगा, कौन से होते हैं? तो ये वॉर्म कहलाते हैं। ये कौन से वायरस कहलाते हैं? तो ये वॉर्म कहलाते हैं। अकेले आएंगे पर बहुत सारी इकट्ठा कर देंगे। वॉर्म ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही था। चलो वॉर्म के बाद इसकी अगर मैं बात करती हूँ, वायरस फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। पहला वायरस क्रीपर नाम का था और उसका एंटीवायरस बनाया गया था, उसका नाम था रीपर। भारत का पहला वायरस सी ब्रेन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। इसके बाद आता है आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या दिया हुआ है? यहां पर आपसे पूछा गया है इसके डोमेन नेम के बारे में, डोमेन टाइप के बारे में। देखो US मिलिट्री का डोमेन टाइप क्या होगा इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा वैसे अगर इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करते ना तो भी आ जाता, मिलिट्री के डोमेन। मैंने बताया था जब भी डोमेन की बात करते हैं तो उस शब्द के तीन अक्षर का इस्तेमाल, तीन अक्षर का इस्तेमाल डोमेन नेम के अंतिम में किया जाता है। मिलिट्री की बात की गई है तो MIL मिलिट्री वाली MIL का इस्तेमाल किया जाएगा। नेट का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग के लिए, और नेटवर्क के लिए कॉम का इस्तेमाल होता है कॉमर्शियल के लिए, जैसे www.facebook.com ये कॉमर्शियल वेबसाइट है व्यवसाय वाली। ऑर्ग का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए। क्लियर है? तो यहां पर मिलिट्री के बारे में बात की थी तो MIL बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर आपसे पूछा हुआ है, इंटरनेट का क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखना, तीन चार चीजें मैं इसमें और ऐड करके बताने वाली हूं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 46 की बात करती हूं तो यहां पर कौन सी चीजें पूछ ली आपसे? तो यहां पर पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो दो या दो से साइट को आपस में जोड़ता है और मंथली फिक्स चार्ज लेता है, महीने में सेम चार्ज लेता है, और दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को लिंक के सहारे जोड़ता है, बार बार पैसे देगा, पैसे देगा, कौन करेगा? देखो हमारे पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हम कौन सा रिचार्ज करवाते हैं? ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करवाते हैं।
हम किसका रिचार्ज करवाते हैं? ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करवाते हैं। तो ब्रॉडबैंड के रिचार्ज में क्या होता है, हम जितना पैसा देंगे उतनी सर्विस हमको मिल जाती है। मंथली चार्ज किसके अंदर आता है? ब्रॉडबैंड के अंदर आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे चलो। ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, लिख लेना फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल डिजिटल नेटवर्क। और ISDN की अगर मैं बात करती हूं तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है हमको नेटवर्क पहुंचाने के लिए। ये कोई फिक्स चार्ज नहीं लेता, हमको नेटवर्क पहुंचाता है नेटवर्क लेयर के द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 48। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो SDRAM, अब यहां पर एक बार समझना, रैम के दो प्रकार होते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका नेचर होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब कि अगर किसी प्रकार से लाइट नहीं है तो डेटा भी चला जाएगा, इसके अंदर की बिजली गई तो इसके अंदर जितना भी डेटा था वो भी गायब हो जाएगा, इसको वॉलेटाइल कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है SRAM और एक होती है DRAM। S की फुल फॉर्म होती है यहां पर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और D की फुल फॉर्म होती है यहां पर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये थोड़ा सा अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसके भी अंदर पूछा गया। अब देखो आपको पहले मैं बता देती हूँ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, क्योंकि पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। SRAM की बात करती हूँ तो इसमें मेमोरी फिक्स होती है, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं कर सकते SRAM के अंदर। SRAM के अंदर कौन से रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप नाम के रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। DRAM की मैं बात करती हूं, डायनामिक रहती है, परिवर्तनशील होती है। कौन सी ऐसी मेमोरी है जो अपने आप को एक बार में हजार बार रिफ्रेश करती है? तो DRAM होती है। बात करते हैं SDRAM की, तो SDRAM ये DRAM का एक हिस्सा होता है। स्टार्टिंग में जब मैंने मेमोरी पढ़ाई थी तब मैंने इसके बारे में बताया था, नहीं तो देख लेना आज ओपन करके वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। SDRAM की फुल फॉर्म क्या होती है? DRAM का एक हिस्सा होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका काम क्या होता है? तो ये रैम DRAM ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की गति को जांचती है। SDRAM सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम मेमोरी ये DRAM की गति को या स्पीड को मापने के लिए काम मतलब इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आया दो क्वेश्चन और रह रहे हैं बस आपके। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर ऐसा कौन सा कार्ड है जो, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आगे इसके बारे में बताती हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा एक एक्सपेंशन कार्ड है जो अलाउ करता है दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल फोन लाइन के द्वारा। फोन लाइन के द्वारा, सामान्यतः फोन लाइन के द्वारा दो कंप्यूटर को आपस में, अब देखो इसमें ना दो क्वेश्चन मिक्स करके बोल दिया है, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया, तो 50-50 चांस, अब देखते हैं आयोग देगा क्या इसका आंसर। हालांकि इसका आंसर जब इसने कार्ड बोला तो यहां पर इंटरनेट नेटवर्किंग फेस होना चाहिए था, मतलब इसका आंसर होना चाहिए था इंटरनेट या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड निक, लेकिन जब इसने फोन लाइन के द्वारा बोल दिया तो फिर इसका आंसर मॉडम होना चाहिए था। अगर मैं इसको अपनी तरफ से आंसर देना चाहूं तो मैं इसको दूंगी निक, ऑप्शन है। अब देखते हैं आयोग क्या देता है, हालांकि इसके 50-50 दोनों के चांस है। ठीक है, चलो चले आगे। आप निकी लेकर चलना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्योंकि कार्ड की बात की गई थी लेकिन इसने फोन लाइन देकर इस क्वेश्चन को थोड़ा और झोल झपाटा में डाल दिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 86, बस रुकना एक मिनट, आ जा भैया। क्वेश्चन नंबर 86 आपको दिया हुआ है किससे रिलेटेड? वो भी इंटरनेट से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है, वो वेब पेज से रिलेटेड है। जी ना, क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, इनमें से किस वेबसाइट के लिए आरंभिक बिंदु या एक डोरवे है? इनमें से किसको, किसी भी वेबसाइट का डोरवे कहा जाता है? इनमें से किसको किसी भी वेबसाइट का डोरवे कहा जाता है? बताओ जरा क्या होगा। यो हरियाणा,
हाँ भाई यो यो हरियाणा, हरियाणा का नहीं पता कुछ भी है ना, कुछ भी हो सकता है। बट पेपर देखो सबके लिए सेम ही आया, ऐसा नहीं आपके लिए अलग दे दिया ना, तो थोड़ा अच्छा खासा पेपर आया है। तो चलो देखो इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो इनमें से कौन सा डोरवे कहलाता है, तो डोरवे का मतलब दरवाजा, दरवाजा का मतलब जब आप घर में जाते हो तो सबसे पहले मेन गेट पड़ता है, तो वो मेन पेज जब किसी भी वेबसाइट को खोला जाता है तो वो मुख्य पेज क्या कहलाता है, उस मुख्य पेज को होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। हम बात कर रहे थे मॉडेम की, तो मॉडेम के बारे में भी चीजें पूछ सकता है आपकी आने वाली शिफ्ट के अंदर। फुल फॉर्म यहाँ पर बताई दी थी, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, क्या होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर फुल फॉर्म होती है। ये ऐसा डिवाइस है जो इनपुट के अंदर भी गिना जाता है और आउटपुट भी, क्योंकि इसका काम दोनों होता है। ये क्या क्या काम करता है, तो ये इनपुट का भी काम करता है आउटपुट का भी, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करता है, डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट दोनों की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलो कंप्यूटर के लिए तो मैं ये बोलूंगी, देखो जितनी भी मैराथन हुई है ना, जिस भी सब्जेक्ट की मैराथन जरूर देख लेना आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लेना, पर सारे सब्जेक्ट की देखो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे आपकी हरियाणा हो, क्योंकि इस शिफ्ट में ये पूछा हो सकता है किसी में कुछ और पूछे, चाहे साइंस की हो चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की, सारी आप लोगों को देखनी है, ठीक है। सारी एक बार क्लास को जरूर रिवाइंड कर लेना, जिनका कल परसों है, जिनका आज है शाम को है, थोड़ा काम रहो, घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा, है ना, टेंशन होती है बट घबराना नहीं है। आप एनालिसिस देख रहे हो शुरू से लेकर एंड तक देखो, कुछ चीजों को रिवाइज कर लेना, आराम से पेपर देकर आओ, सबके लिए की जैसा आ रहा है। चलो भाई हिंदी के क्वेश्चन है, कुछ हिंदी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हिंदी क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं, हिंदी में से एक बात होती है भाई, देखो नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन में बोला गया, मैंने पेन का 96 क्वेश्चन जो आपका क्यों ना भाई, इन्होंने कहा संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, एडजेक्टिव बोला गया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर को बोलते हैं संख्यावाचक, है ना, तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। यदि मैं एडजेक्टिव की बात करूं यहाँ पे संख्यावाचक में तो दो होते हैं, तो हिंदी में भी तो दो ही होंगे, है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए संख्यावाचक। इंग्लिश में होता है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, वही आपका यहाँ पे है, हिंदी में हो जाएगा दो, संख्यावाचक के पहला यानी 96 का ऑप्शन हो जाएगा दो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 97 क्वेश्चन पे, 97 क्वेश्चन को चेक कीजिए, देशभक्ति, देशभक्ति वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका जवाब है, सभी बच्चे देख लो भाई, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे इसका जो जवाब है, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98 क्वेश्चन में है कि वे शब्द जिनका रूप नहीं बदला जा सकता, सिंपल सी बात है, जिनको बदला ही नहीं जा सकता वो हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, लिख देता हूं मैं यहां पे ऑप्शन बी, ठीक है, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद आ जाओ 99 हिंदी का क्वेश्चन, जिस भी बच्चे का ये एग्जाम था आप चेक कीजिएगा भाई, आप लोगों को भी पता लग गया होगा, जितने बच्चे अब आगे एग्जाम देने वाले हैं भाई, कुछ भी आ सकता है इस एग्जाम में, ठीक है ना, आज सिद्ध हो गया है इनका कोई भी सिलेबस नहीं है, ना इनको ये पता कि बच्चों को क्या एग्जाम में देना चाहिए ना देना चाहिए। आज देखा हम लोगों ने, एक्चुअल में देखा जाए एग्जाम में हिंदी इंग्लिश ठीक है, लेकिन इंग्लिश का एक ऐसा क्वेश्चन है जो बैंक में भी आजकल मेंस में आता है, बाकी कहीं नहीं आता है, समझ गए ना, तो ये एक लेवल नहीं है इनके क्वेश्चन का, बट कोई बात नहीं, दिया तो हम लोग भी कम नहीं है इनसे, ठीक है। आगे क्वेश्चन 99 ब्लैंक आपका खालिस्तान आगे क्यों ना, विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदाय बनता है, भाई कुछ ऐसे विशेषण होंगे जिनके आगे हिंदी में ओ ओ डबल ओ जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, ठीक है, तो कौन सा बनेगा ये पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे साफ नहीं दिखा भाई क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है बोधक, है ना, कुछ ये है भाई, ये ऑप्शन ए इसका जवाब सही होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया इच्छा, इच्छा का क्या पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया, इच्छा का सिनोनिम यहां पे पूछा गया है, तो देख लेते हैं इच्छा को कौन सा बख्शेंगे भाई, है ना, देखे इच्छा का ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे भी आता है ना, हाँ तो इच्छा का देखो निराला ऑप्शन है, ये तो बहुत ही महान लायक है, ये तो हो नहीं सकता, वसंत तो नहीं हो सकता, वसंत शायद में भी कपड़े होते हैं, मैं भी शायद पक्का नहीं पता भाई, कहीं बोलोगे इंग्लिश वाले ने गलत समझा दिया, है ना, तो इच्छा का जो सिनोनिम होगा वो होगा अभिलाषा,
इच्छा का जो सिनोनिम होगा वो आपका हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा। तो पांचों क्वेश्चन इंग्लिश हो गया, पांचों क्वेश्चन आपका हिंदी का हो गया, साइंस के बायो के क्वेश्चन, उसके बायो के कितने क्वेश्चन है, 9, 7 क्वेश्चन बायो के हैं। अब देख लो अभी आज ही आपका इस सेशन के बाद एक बायो की क्लास लगवाते हैं, साइंस की क्लास लगाएंगे। अपने शगुन मैम भी यहाँ पे हैं और अपने बायो के टीचर भी यहाँ पे हैं नीतीश सर, तो इनका बायो का साइंस का एक सेशन लगवाएंगे लगभग 2 घंटे का, ताकि कल वाले बच्चों को फायदा हो जाए। ठीक है, तो अभी मैम आ गए हैं, इनका सेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आज तुम लोगों ने तो सच में मतलब मजा ही कर दिया। और साइंस में मुझे सर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने क्वेश्चन आएंगे, 13 क्वेश्चन आए साइंस से, और मैंने ये सुना तो मैंने कहा एक बार फिर से चेक करो जरा पेपर 13 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से 7 क्वेश्चन सर बायो के हैं ना, 7 बायो के हैं और 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, और हो सकता है मैं सर्च करूँ अब एक और निकल गया, तो 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। तो 4 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स और 7 बायो, मतलब और बच्चे जान लो क्या साइंस से इतना इतना कवरिंग किया है। और 2-4 क्वेश्चन तो अगर हम देखें उनको छोड़ दें तो ठीक ठाक साइंस आई है, वही क्लास से जो चीजें डिस्कस की हैं, और बाकी भी ऐसे ही प्रश्न हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने चीजें अच्छे से की होंगी, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, वो सारे बच्चे जो अपने वाले बच्चे जल्दी से सारे के सारे एक बार सेशन धुआं धुआं तरीके से शेयर मारो, बिकॉज आज की क्वेश्चन मुझे मतलब अच्छा लग रहा है डिस्कस करते हुए, क्वेश्चन भी अच्छे आए हैं, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छा, मतलब हरियाणा वालों का सर कुछ भरोसा नहीं है, लेवल कुछ भी पहुंचा सकते हैं, कभी इतना हलवा दे देते हैं कि लगता है कि यार अरे यार, और कभी इन्होंने मतलब मैं अगर आज साइंस को देख के बात करूं तो लेवल अच्छा खासा था, मतलब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। चलो बेटा क्वेश्चन है पहला, 25वां क्वेश्चन जल्दी से देखो अब आप लोग ध्यान से, 25वां क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको, हाँ 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, 25th क्वेश्चन है आपका, किससे रिलेटेड है देखो ये, एक सेकेंड रुको, हाँ अरे यार पहला क्वेश्चन 25वां, ये देखो ऊपर ज्यादा चला गया, एक सेकेंड ये देखो, ओके देखो भाई, एक उभयधर्मी ऑक्साइड बताओ, तुम बताओ मैं क्या बताऊं, जल्दी से बताओ इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होगी। मैंने आपको 2 ऑक्साइड पढ़ाए थे जिनमें से एक बिल्कुल एज इट इज फंसा है, जो क्लास में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जल्दी से बताओ सारे के सारे, जल्दी से बताओ इनमें से किसके, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होगी। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मैंने आपको कैसे कैसे पढ़ाया है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्रकृति से उभयधर्मी मतलब अम्लीय तथा क्षारीय दोनों की प्रकृति रखता है, और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम इसको अयस्क की लैंग्वेज में बात करें तो इसी को हम बॉक्साइट कहते हैं, जितने भी रत्न हैं, जैसे मूंगा है, जैसे कि माणिक है, जैसे कि आपका नीलम है, ये सब कोरंडम जाति के पत्थर होते हैं और इन्हें केमिकली हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। बच्चा एक बहुत देखो, मैंने तुम्हें एक पहचान बताई थी, हम तुम्हें जिंक फॉस्फाइड कराते थे चूहे मार दवा के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में, हमने तुम्हें एक ऐसे आइडिया दिया था कि तुम मेटल को छोड़ो, चाहे जिंक हो चाहे एल्यूमिनियम हो, है दोनों धातुएं, लेकिन जो ये फॉस्फाइड ग्रुप होता है यही जहरीला होता है, साइनाइड ग्रुप होता है यही जहरीला है। तो अगर जरा सा भी बच्चा क्वेश्चन कॉमन सेंस के तौर पर यूज करेगा तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यहां पर किस रूप में, फ्यूमिंग एजेंट, देखो फ्यूमिगेंट्स के तौर पर, ये हो सकता है कुछ बच्चे गलत करके, जैसे यही बच्चा जिसका पेपर है इसने गलत किया है, सही आंसर इसका होगा धूमन के रूप में। अब मैम धूमन का मतलब बेटा खेतों में कीड़े मकोड़े ना लगे, कीटनाशक के तौर पर इसका धुआं दिया जाता है, कभी कभी इसको जलवा के और फिर इसकी वो करवाई जाती है, और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को आजकल प्लीज एक्सक्यूज मी पानी में घुलवा लिया जाता है और फिर उससे क्या कराया जाता है, छिड़काव करा दिया जाता है, तो सबसे बढ़िया कीटनाशक है फ्यूमिगेंट्स के तौर पर। मतलब फिर मैं यही कहूंगी ऐसे क्वेश्चन देख के मुझे लगता है बढ़िया पेपर आया था। नाउ यू हैव टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट, कहते नहीं कि अब अगली पारी के लिए तैयार रहो। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखो, 31वां प्रश्न, हाँ भाई इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, द इमर्जिंग नोवल कंसेप्ट इज अ जीरो कार्बन फ्यूल मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग renewable power from wind and solar to split water into hydrogen and oxygen। हिंदी में पढ़ो, उभरती नई संकल्पना
जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना, कि जल को हाउ वी विल स्प्लिट द वॉटर इन टू H2O को तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसके लिए जो हम ईंधन यूज करेंगे क्या कहा है, उभरती नई संकल्पना जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए पवन और सूर्य, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करने द्वारा विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस विधि से यूज करेंगे इसके लिए। तो बताओ इनमें से कौन सा ईंधन क्या होगा, जीरो कार्बन। जीरो कार्बन का मतलब पॉल्यूशन फ्री, इसको ये समझो कि इनमें से कौन सा, हरित हाइड्रोजन को जिसको ग्रीन हाइड्रोजन हम कह सकते हैं, व्हाइट हाइड्रोजन, व्हाइट ऑक्सीजन, ग्रीन ऑक्सीजन, इनमें से किस उसका ईंधन का प्रयोग करते हुए हम वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं विद यूजिंग द विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी ऑन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो हियर इज द राइट आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं तो ग्रीन हाइड्रोजन, वेयर इज ग्रीन हाइड्रोजन, वैसे भी हम तुम्हें 70 बार क्लास में पढ़ाते हैं, अगर तुमने कॉमन सेंस भी यूज करा होगा, मेरी बात समझना, द बेस्ट फ्यूअल, द जीरो पॉल्यूशन क्रिएटिंग फ्यूअल, द फ्यूचर फ्यूअल, ऐसे हाइड्रोजन को सबसे हल्की गैस, सबसे उत्तम कोटि का ईंधन, सबसे उच्च कैलोरी मान वाला ईंधन, ऐसे पढ़ाते हैं हम तुम्हें हाइड्रोजन। तो याद रखिए, अगर आपने यहां पे तुक्का भी लगाया होगा कि पॉल्यूशन फ्री की बात कर रहा है, जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहा है मैम, और वैसे भी गो ग्रीन, जब हम पॉल्यूशन फ्री की बात करते हैं तो ग्रीन वर्ड तो ऑटोमेटिकली यूज कर देते हैं। तो अगर तुमने यहां पर हाइड्रोजन की बुद्धि लगाई होगी कॉमन सेंस के साथ, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही गया होगा। देखो मैं हमेशा से ही आप लोगों को एक चीज बताती हूं, दैट वी आर द टीचर्स, हम इतना जानते हैं कि नियर अबाउट क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आसपास रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो यहां पर ध्यान से देखो, जितने बच्चे यहां पर चिविल्लगिरी कर रहे हैं, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, बुरा मत मानो। The level of questions, if you are preparing for any competition exam, मैं कहूंगी बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था। देखिए डिस्कस करने वाले क्वेश्चन है ये, और कौन सा है अगला, 39th क्वेश्चन देखिए अगला, बढ़िया प्रश्न है, मतलब मन खुश हो गया। 39th क्वेश्चन आपका आया है, बढ़िया प्रश्न है ये क्वेश्चन, तो मैं आज की शाम की जो हमारी क्लास रहती है उसमें इंक्लूड कर लूंगी, ताकि बच्चों को आगे देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड। और पता देखो, एक तो इन्होंने हाइड्रोजन पूछ लिया फ्यूल के तौर पे, ग्रीन फ्यूल के तौर पे, और दूसरा इन्होंने करंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करके पूछ लिया कि वाटर की स्प्लिटिंग, बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डैश सर्वाधिक सफल और बृहद रूप से प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम शर्करा, डायबिटीज वाले मरीज कौन सी शक्कर खाते हैं, जल्दी से बताओ, जो मोटे तौर पर गन्ने के शक्कर से 100 गुना अधिक मीठी होती है, जरा सदाना पूरी चाय मीठी कर दी, इतना सदाना डाला और शुगर फ्री यूज करते हैं, देखा होगा आपने डायबिटीज के मरीजों को। लेकिन शुगर फ्री तो ब्रांड का नाम है, मैगी तो ब्रांड का नाम है क्या मैदा, नूडल्स तो वैसे ही बताओ शुगर फ्री है क्या। तो याद रखिएगा बेटा, इसको एस्पार्टम कहते हैं इसको, हाँ कौन सा, डायस्टेज, हाँ वो भी कहते हैं, तो उसको बच्चा इसको डायस्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरी बात समझिए, ये हमने डायरेक्ट आपको, जो बच्चे हमारे क्लास के रेगुलर एस्पायरेंट हैं, डेटॉल का नाम, क्लोरोजाइलेनॉल, आपका आयोडेक्स, आपकी शुगर फ्री, आपका क्या नाम है ये जो हम लोग बोलते हैं लौंग के तेल में कौन सा रसायन, यूजेनॉल, ये हमने आपको बेटा उंगलियों पर कराए हैं। और इस बात का मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन तुम याद करो कि आगे के, अगर देखो देखो ऐसे दैनिक जीवन के प्रश्न ऐसे बनते हैं। मेरे अनुसार अगर तुम मेरे से इसको एनालिसिस करने के लिए बोलो, तो मैं कहूंगी अच्छा पेपर नहीं, बहुत अच्छा पेपर था। और ऐसे पेपर में घबराना तुम बिल्कुल मत, अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत भी होता है तो मैं तुम्हें इतना बता सकती हूं कि ये वो हलवा पेपर नहीं था जो हर कोई चबा के चल दिया। ऐसे क्वेश्चन में कट ऑफ बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे पेपर में सर नहीं जाती, और अगर देखा जाए तो बहुत पारदर्शी सा सिलेक्शन होता है। मतलब मैं ये कहूंगी चिंता मुक्त रहो, जो भी करके आयो, जरा सा भी मेहनती बच्चा होगा, एस्पार्टम वाला क्वेश्चन बिल्कुल मैं नहीं कह सकती कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये बिल्कुल एज इट इज क्लास में डिस्कस किया हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, जो उभयधर्मी वाला ऑक्साइड है, एज इट इज रटाया हुआ प्रश्न आपका आया है। और एक क्वेश्चन जो ये अगर देखा जाए तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, तो दोस्तों ये बात तुम बहुत अच्छे जानते हो कि मैम ने जब आपको ऐसे समझाया है, सभी ईंधनों में उच्चतम कैलोरी मान वाला ईंधन है हाइड्रोजन, तो फिर आगे शंका की कोई बात ही नहीं थी, तुम्हें ग्रीन हाइड्रोजन टिक करके चले आए हो, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। तो बढ़िया प्रश्न थे, और बायो के भी बहुत अच्छे प्रश्न गए हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगी पूजा मैम, बढ़िया तरीके से सारे टीचर्स की मेहनत रंग लाई, इसी बात पे एक बार शेयर मार दो,
मजा आ जाएगा। संडे वाले दिन भी सारे टीचर्स वेट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा गया। मैडम से देखते पूछते हैं भाई मेहनत रंग लाई होगी आज। चलिए हरियाणा एसएससी कहती है तुम कहाँ कहाँ तक जाओगे, जहां जहां जाओगे वहां से दूर पहुंचा दूंगी मैं, है ना। तो देखो अब बच्चे बहुत मौज लेंगे, कहेंगे क्या हो गया मैडम, कैसे आ गई, क्यों आ गई, हरियाणा जी के तो आई नहीं, एक दो क्वेश्चन आए आप कैसे आ गई। तो देखो हरियाणा जी के नहीं आई लेकिन साइंस आई, ठीक है, और उसमें साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गए तुम्हारे, स्टैटिक जीके करंट अफेयर भी आया पेपर में। तो उम्मीद करते हैं सोना मैम ने सब कुछ आपको कराया होगा और वहीं से आपकी चीजें जो है पेपर में आई होंगी। वैसे ही आपके बाकी सेक्शन जैसे इंग्लिश अनिल सर बता रहे थे कि लीक से हट करके जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन ये उसी चीज का नतीजा है जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट, हम पंचकुला तक गए तो उसका कुछ असर तुम्हें दिखाई दे रहा है, जू तक नहीं रहेंगी, है ना। कम से कम पैटर्न तो अपना फिक्स जो तुम सिलेबस देते हो कि 25% जो आपका हरियाणा जीके होता है, जो भी आपका आपने बना रखा है कम से कम वैसे होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, है ना। और लगता भी नहीं कभी चीजें सही होंगी, पता ही नहीं भाई क्या ही है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है मेरे पास जिनके आंसर है ना ओवरऑल देख लेते हैं, हरियाणा जीके बीच में कहीं का दर्शन देगी तो उसको भी देख लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। देखो अभी इस शिफ्ट में ना आया हो लेकिन ऐसा नहीं है कि कल नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, ये हरियाणा एसएससी है ना, ये हरियाणा एसएससी है, हरियाणा का एग्जाम है ये आपका, और यहाँ जो है कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे मत सोच के चलना कि अब सेकंड शिफ्ट में नहीं आने वाला या फिर एक तारीख को दो तारीख को, सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो जो भी आपके लिए क्लासेज अभी लगेंगे जैसे साइंस की क्लास लगेगी, क्योंकि बाकी चीजें आप पढ़ चुके हो, अगर हरियाणा के क्वेश्चन आएंगे तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। बाकी जो सेक्शन है आपके जिन पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है उनका रिविजन क्लासेस आपको दी जाएंगी अभी थोड़ी देर में, तो वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखो, हेली जन्य सर्वेक्षण तकनीक हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस लिए शुरू की गई, आपसे पूछा है कि किस लिए जो है इसे शुरू किया गया था। तो बच्चे ने जो आंसर किया है आपका यहाँ पर भूमि जल प्रबंधन यानी कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, इसी के लिए की थी। मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिसने भी यहाँ पर आपका बी किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा पेपर आया है ना कि बस क्या ही बताऊं, जब मैंने पेपर देखा तो बस देख रही थी कि भाई ये क्या है, मतलब पेपर है ये हरियाणा का ही पेपर है, फिर विश्वास हुआ कि हाँ ये तो हरियाणा का ही पेपर है, बाकी सब में तो फिक्स होता है सिलेबस, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वह कर जो सरकार निर्गत की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है, देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे, टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोज पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, तो वो क्या होता है आपका बच्चों, इकाई कर होता है, अर्थात यूनिट टैक्स होता है, क्या होता है आपका, यूनिट टैक्स होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा भैया आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा गया बच्चे का, यहाँ पर डी आंसर आना चाहिए, क्योंकि लिखित और लंबा संविधान अपने भारत देश का है। कितना समय लगा था तो ये सब आप लोग देख के जाइएगा, है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था बनाने में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है, तो आपसे पूछा जाएगा जो आपका साइबर लॉ है वो किस लिस्ट में आता है, जो आपका 7th शेड्यूल है, जो आपके संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषय आते हैं, 3 कौन कौन से आते हैं, आपकी राज्य सूची, केंद्र सूची और आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी सूची में आता है, तो याद रखिएगा साइबर लॉ आपके संविधान बनने के बाद में बने थे, तो जितने भी आपके लॉज है ना संविधान के बनने के बाद बने हैं वो कौन सी लिस्ट में आते हैं, आपके रेजुडरी पावर्स में आते हैं, ठीक है, यानी कि अवशिष्ट सूची में या फिर अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि इन पर जो कानून बना सकती है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है ना, आपकी केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो ये आपके ना राज्य सूची में आता है, ना आपके केंद्र सूची में आता है, ना ही आपकी समवर्ती सूची में आता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका रेजिडुअरी पावर्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा जीके जहां आएगी उसको भी देख लेंगे, क्यों परेशान हो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब तुम खूब मौज लोगे, ले लो भाई, क्या कर सकते हैं, अब नहीं आई लेकिन आएगी आगे, है ना, जैसे इंग्लिश हिंदी नहीं आती थी फिर इंग्लिश हिंदी आई, बायोलॉजी पहले कम आती थी बायोलॉजी आने लग गई है,
वैसे ही चीजें चल रही है, कोई बात नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, डुरंड कप, तो ये तो आपने करंट अफेयर में कहीं भी पढ़ा होगा, अगर आप कहीं से भी फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, तो आपने देखा होगा डुरंड कप चर्चा में था। और 2021 का डुरंड कप किसने जीता, तो ये जो है आपके गोवा की टीम ने जीता। और कहां पर हुआ था फाइनल, आपके कोलकाता में। फाइनल कहां पर हुआ था आपके कोलकाता में, जो है आपका फाइनल हुआ था, याद रखेगा, ठीक है। जीता किसने, तो गोवा ने जीता, ये भी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, तो मैं आपको सारे करा देती हूँ जो आपके जीके या स्टैटिक जीके, और कहीं कहीं अगर गलती से हरियाणा जीके है तो वो भी देख लेते हैं। चलिएगा, देखिए क्या पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनक लता बरुआ किस राज्य से है, ठीक है। कनक लता बरुआ, इन्हें वीर वाला भी कहा जाता है, शहीद भी शहीद हुई इनको जो है ब्रिटिश ने गोली मार दी थी, ठीक है, और ये शहीद हो गई थी जब ये 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने अपना तिरंगा लेकर के चल दी थी, ठीक है। वैसे ही 1942 के आंदोलन से किसका संबंध है आपकी, अरुणा आसफ अली का, अगर आपके पेपर में आ जाए तो नाम याद रखना, अरुणा आसफ अली। और ये हरियाणा से संबंध रखती है, ग्वालिया टैंक मुंबई है ना, वहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया था, याद होगा आपको। तो बताना ये हरियाणा के किस राज्य से है, और कनक लता बरुआ आपके असम राज्य की थी, कहाँ की थी भाई, असम राज्य की, क्लियर है, ठीक है। देखो जो आपके बाकी पेपर आए ना, जैसे ये तो हम एक ही पेपर कराए भी, एक टाइम में एक ही पेपर करा सकते, तीन तीन नहीं लगा सकते, चार चार। जो आपके बाकी पेपर है उसमें कहीं कहीं पे सीआरपीसी आईपीसी से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो पैटर्न इज नॉट फिक्स एट ओवरऑल, है ना, अलग अलग क्वेश्चन आ रखे अलग अलग शिफ्ट में, तो आप जो है एक चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते। इनमें से कौन आईसीजे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यह आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आईसीजे का हेडक्वार्टर आपका हेग नीदरलैंड में है, कहां पर है आपके, हेग नीदरलैंड में है, याद रखेंगे। और दलवीर भंडारी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जो आपका चीफ जस्टिस, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है आपके, एनवी रमना जी। तो जो ए ऑप्शन है वो आपके क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चलिएगा, ठीक है। इसका मैं अभी आपको बता दूंगी 15 का, थोड़ी देर में बताती हूँ क्या आंसर होगा आपका। इकोनॉमिक्स वाले टीचर से अच्छे थे, जिससे कि बिल्कुल सटीक उत्तर आपको बताया जाए, कोई भी इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला था आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो इसमें आपने क्या आंसर किया होगा बताइए, है ना, बिल्कुल। तो ये तो आपका भाई जो आपका लाइफ के लिए और आपकी जो है पर्सनल लिबर्टी के लिए आर्टिकल 21 आता है आपका, अनुच्छेद 21 आता है, तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। क्या आंसर है आपका, बी आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका बिम्स्टेक के बारे में आपसे पूछा गया कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बिम्स्टेक क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो स्थापना हुई वो आपके ढाका में हुई, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कब हुई, इसमें कितने मेंबर्स आते हैं, सारी की सारी चीजें आपको पढ़ के जानी होगी। 7 मेंबर देश, उनके नाम याद रखना, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया आपका, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। कब बना था, 1997 में इसका गठन हुआ था, तो 1997 में याद रखना। काठमांडू पूछ लेगा, तो सार्क की स्थापना, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपके, सार्क जो आपके देश है उनका जो हेडक्वार्टर है वो आपके आ जाता है कहां पर, काठमांडू में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, देखो आया था हरियाणा जीके का क्वेश्चन, हमने पढ़ाया भी था और आपने पढ़ा भी था कि इनमें से किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन आरंभ की, तो ये आपके डिटेल में पूछा गया था पिछली बार जब मेल कॉन्स्टेबल का जो आपका कैंसिल हो गया उसमें डिटेल में आया था, यहां पर हरियाणा राज्य ने किया था, याद रखना। नागालैंड जो है आपका कब एक राज्य बना था, तो 1 दिसंबर 1963 में, तो सी आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, नागालैंड के बारे में। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो करंट अफेयर भी आई, खूब मौज कर दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए देखो, श्रम मंत्रालय में असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस शुरू किया गया है, और उस डाटाबेस का नाम आपको बताना है, तो कौन सा डाटाबेस जो है आपका शुरू किया गया। मैं ये कहूंगी जिनका भी पेपर है कल, सितंबर और अक्टूबर की 2021, सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ के जाना,
नेशनल करंट अफेयर सितंबर अक्टूबर की कहीं से भी तुम्हें मिले या फिर अगर क्लास पॉसिबल होगी लेंगे, आप पढ़ के जाना, पेपर में बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर यही पैटर्न फॉलो हुआ। यहाँ पर आंसर होगा आपका ईश्रम पोर्टल, ठीक है। क्या होगा ईश्रम पोर्टल? 1908 में 12 डकैते का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था, यहाँ पर आंसर करके आएंगे पुलिन दास ने किया। किसने भाई? आपका पुलिन दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए चलिए देखिए और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपकी हट करके आई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, ये रहा, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय है कौन सा है, ये आपको बताना है। जैसे हम कहते हैं इसरो, है ना, तो इसरो के पूरा एक नाम होता है ना, तो वो आपकी इंडिया की स्पेस एजेंसी है। सेम एज इट यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय इनमें से कौन सा है, तो ये आ जाएगा यूराटोम, EURATOM जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना, 37 का ही बताएंगे अभी, रुकिए एक तो इसमें ना 1535 ईस्वी, ठीक है भाई। जो पुर्तगाली यात्री नूनेज विजयनगर राजदरबार में कब पहुंचा था, तो 1535 ईस्वी में, ठीक है। यहां पर आप बी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है भाई, आप बी आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अभी देखते कौन सा क्वेश्चन आएगा, शेयर करते रहना, ठीक है। हरियाणा जीके का क्वेश्चन आया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। तुम कह रहे हो हरियाणा जीके नहीं आई पेपर में, देखो एक क्वेश्चन आया था हमारा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो सभी बच्चे जानते हैं हिसार जिले में 2 फरवरी 1970 को, और ये 65 में नहीं 70 को, ठीक है, 70 में हुई थी, याद रखिएगा 1970 में, ठीक है, 1970 में हुई थी, क्योंकि काफी चर्चा में रहा, ई ट्रैक्टर बनाया है, और भी जो आपके बहुत ज्यादा डेली आपका न्यूज में आता है, डेली आपको पढ़ाया, हर पेपर में जितने भी क्लास हुई है हर क्लास में आपको पढ़ाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह में कौन सा जानवर होता है, तो देखो ट्री अगर आपसे पूछे तो पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री होता है, याद रखिएगा। जानवर पूछेगा तो टाइगर होता है, उसमें टाइगर। स्थापना आपसे पूछ ले तो RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और पीछे भी आपके एग्जाम में RBI से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, मतलब उसके बारे में, RBI के बारे में पढ़ के जाना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके, और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी पहले कौन थे, ओसमन स्मिथ पहले भारतीय कौन थे आपके, CD देशमुख, तो सारी की सारी चीजें आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं और अपना कौन सा क्वेश्चन आया था आपका, बस हरियाणा जीके यही थी आपकी, ठीक है, हरियाणा जीके इतनी ही आई थी, ठीक है। 3 क्वेश्चन से क्या होगा जी, हम क्या कर सकते, क्या पता अगले पेपर में बहुत सारे आ जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपका यहाँ पर डैश इंडेक्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन इन रिटेल प्राइस, तो ये आपका अगर हम पहले बात करें तो होल प्राइस जो इंडेक्स होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होता था, लेकिन यहाँ पर मे भी इसका आंसर जो होना चाहिए CPI होना चाहिए, ठीक है, तो CPI अलग से लिखा नहीं है, तो इसका कुछ कन्फर्म नहीं है अभी, तो जो भी आपके टीचर होंगे इकोनॉमिक्स वाले वो आपको कन्फर्म कर देंगे। वैसे मैंने इकोनॉमिक्स के टीचर से ही पूछा क्योंकि मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या है, मैंने कभी इकोनॉमिक्स ना पढ़ी ना पढ़ाई, तो बस मुझे आइडिया था कि मैंने WPI पढ़ा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स करंट अफेयर में, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा CPI आना चाहिए, ऐसा मानना है मैम का, ठीक है, तो इसको देख लेंगे आपकी हरियाणा SSC क्या मानती है। और इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन, कंजप्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, है ना, जिसपे जो है आपका आय से स्वतंत्र खपत क्या कहलाती है, तो वो आपकी स्वायत्त खपत कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए स्थापित किया गया था, तो ये जो है आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए किया गया था, बिल्कुल सही आंसर किया बच्चों ने, ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो आपका टर्चरी सेक्टर होता है इकोनॉमिक्स, किसमें आपकी सर्विसेज आती है ना, और ये तीनों की तीनों क्या है, आपकी सर्विसेज है, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका इजी क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, है ना, इसे तो आप लोगों ने कर दिया होगा, तो यहाँ पर आपका डी आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये तो साइंस बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो,
ठीक है हाँ अच्छा मतलब आइसोबार है ना ये सब चीजें देख के ऐसा लगता है कि साइंस का ही क्वेश्चन था, फिजिक्स लगती है सर ऐसे। ठीक है चलो इस बार सर खुश से कह रहे ज्योग्राफी आई है मेरी। हाँ बिल्कुल, हाल ही में चर्चा में रहा नोर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ती है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा जर्मनी और रसिया। ठीक है जर्मनी और रूस, तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है किसमें भी आपके करंट अफेयर में रहा है ये आपका तो आपने पढ़ा होगा, इससे भी आप लोगों ने कर दिया होगा। लेकिन जो बच्चे का पेपर है वो गलत करके आया है, ठीक है तो निराश मत होना, नोबलाइजेशन होगा तो कुछ कह नहीं सकते क्या ही होगा। ठीक है कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। नेक्स्ट है आपका योजना पर मतलब डैश योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही है और दालों के मूल्य को स्थिर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुई है, तो आपसे पूछा है कि कौन सी, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल्य स्थिरीकरण निधि। ठीक है PSF जो होगा आपका, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। ठीक है इसमें जो है आपका ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है भाई, तो आपका जो पेपर रहा वो आप लोग ही बताना कमेंट करके तुम्हें कैसा लगा पेपर देख के। ठीक है हमें तो पता ही नहीं पेपर कैसा लगा। ठीक है चलिए ठीक है चलिएगा, भारत के बाद मतलब भारत डैश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हरित बॉन्ड बाजार बन गया है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा चीन। बिल्कुल सही आंसर आपका चीन आ जाएगा। ठीक है बच्चों चीन आ जाएगा, बस होने वाले मेरे। तो नेक्स्ट आपके ज्योग्राफी वाले सर आ रहे हैं, है ना सर ज्योग्राफी वाले सर आ रहे हैं, तो सर आपको क्वेश्चन करा देंगे ज्योग्राफी वाले जो आए, फिर बाकी आपके जो भी सेक्शन रहते हैं वो हम कर लेंगे। और ये नालायक इसमें अहमदाबाद करके आए, बचपन से पढ़ते मिर्जापुर है। ठीक है सर, तो सर समझा देंगे तुमने, सर इनको बताना अहमदाबाद क्यों किया, पूछना इनसे। ठीक है वैसे सर स्टैटिक जीके में पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है इसलिए। चलिए तो बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है यहाँ पर आ जाएगा आपका 1999 आना चाहिए इसमें आपका आंसर। ठीक है 1999 आना चाहिए। ठीक है यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1999 आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ठीक है ये भी गलत हो गया, और ये 85 ज्योग्राफी है। ठीक है मुझे आता लेकिन बताऊंगी नहीं, सर बताएंगे। आइए सर, नहीं सर आइए। चलिए तो सर आपको अब ज्योग्राफी कराएंगे, सेशन को शेयर करते रहना, पेपर ऐसा ही आया था। ठीक है चक्कर आ गए, चक्कर आने की जरूरत नहीं है, अभी कल भी पेपर होगा परसों भी होगा, तब तक कितने लोगों को चक्कर आएंगे, ओवरऑल देखेंगे कितना चक्कर आना चाहिए। ठीक है अभी चक्कर मत लाओ बिल्कुल। चलिए इस बार पेपर देखकर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई है, क्योंकि हर बार अभी पिछले 6-7 बार से ऐसा हो रहा था ज्योग्राफी नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार ज्योग्राफी आया है और एक एक चीज आया है जो मैंने पढ़ाया है, हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद भी जितना मैंने बताया उतना पूरा आया है, और वहां पे 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है 56, 76, 85। चलो पूजा मैम ने तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस बता ही दिए हैं, अब हिस्ट्री का कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर 85 क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 ये तो आपको मतलब कॉपी में मैंने लिखवाया है कितनी बार इस क्वेश्चन को करवाया, और इसको ये एक जनरल क्वेश्चन था जिसमें कि आपको सभी को पता होगा भारत की जहां पे ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी वो भाग होता है जो तीन जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, तो दक्षिणी भारत आपका प्रायद्वीपी भारत बोला जाता है। तो यहां पर पूरे प्रायद्वीपी भारत में गोदावरी आपकी सबसे बड़ी नदी है, भारत की नहीं बोली जा रही, प्रायद्वीपी भारत की बोली जा रही है। ठीक है अगर हम नॉर्थ इंडिया को यूज कर लेंगे तब यहां पर ये आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो 85 हो गया, 50 अभी 76 है, बिल्कुल खुशी हो रही है ना। ये क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी का, और ऊपर आते हैं 76 पे। ठीक है भारत का मानक मध्यान रेखा किस रेखा से होकर गुजरती, किस शहर से होकर गुजरती है, इस पे तो मैंने कितनी क्वेश्चंस कराए हैं, कितनी बार इसको बताया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है आपको कितनी बार मैंने आपको बताया कि भारत का क्वेश्चन भी कराया है कि ये जो भारत मानक समय है इसको क्या बोला जाता है, IST बोला जाता है। IST क्या होता है, ये 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व रेखा को भारतीय मानक समय कहा जाता है जिसे हम IST बोलते हैं। कहां से गुजरता है, जब मैं वहां पर मिर्जापुर पढ़ाता हूं तो यहां साथ में ये भी बोलता था कि बहुत सारे लोग अभी नैनी डाटा को भी अपडेट नहीं कर पाए, नैनी पे चले जाते हैं, लेकिन नैनी अब वो चेंज हो चुका है, जो रियल डाटा है वो आपका मिर्जापुर है ना कि अहमदाबाद। सही डाटा क्या हो जाएगा आपका,
मिर्जापुर बिल्कुल सही डाटा होगा और यही उत्तर हो जाएगा आपका। तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो लाइन है जिसे हम भारतीय मार्ग समय कहते हैं वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और अगर लास्ट क्वेश्चन है आपका 56 पे आते हैं, 56 पे खुशी बस इस बात की है कि आप पहले तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था तो इस बार पूछा गया, इस बात का थोड़ा सा है कि चलो उसने ज्योग्राफी की तरफ भी रुख किया है। मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए थे, मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया था और मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम आप इसको पढ़ के जाना। शॉर्ट नोट्स में ये लाइन क्लियर लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट्स में आइसो हाइट्स ये लाइन क्लियर लिखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाकर बताया था कि जब ऐसे मान लीजिए कहीं पर सेम अमाउंट का बारिश हो, सेम अमाउंट का बारिश हो और उस लाइन को अगर आप मिलाओगे उस पूरी लाइन को आइसो हाइट कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आप जाके देखना क्लियर ये लिखा हुआ है क्या कि द लाइन कनेक्ट इन प्लेस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसो हाइट्स कहा जाता है। आइसो बार तो प्रेशर को मापता है, प्रेशर को मापने वाली की बात करते हैं, जो प्रेशर वाली लाइन होती है जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको आइसो बार कहते हैं। ये आइसो हाइट होगा, ये बिल्कुल क्लियर शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा दोबारा शॉर्ट नोट्स ही, चलो कोई एक दोबारा टेलीग्राम शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं टेलीग्राम में 5 से 6 बार शॉर्ट नोट्स डल चुका है, फिर से डल जाएगा। ठीक है, तो हर जगह मैंने शॉर्ट नोट्स दिया था जिसमें आपको अगर आपने पढ़ा होता तो लगभग आपको सारे क्वेश्चन बनते, तीन के तीनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में है, तीन को तीनों क्वेश्चन। ठीक है, और वैसे जो क्लास पढ़ा है उसकी तो अलग ही बात है, मैंने आपको बोला था जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आएगा तो उसी में से आएगा, ठीक है, इधर उधर से नहीं आएगा। तो चलिए अब जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, अब ये पॉलिटी वाले सर आएंगे और पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी वाले सर के साथ, आइए सर। तो बच्चों आपका जो है अब जो हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे और सभी लोग जो है मुझे लगता है पेपर अच्छा किए होंगे। और जैसा कि पेपर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें अभी जो है हम किस चीज़ किन क्वेश्चनों को देखेंगे, फिलहाल जो है हम देखेंगे आपका क्वेश्चन पॉलिटी के। ठीक है, देखते हैं पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं पहले पहले से। ठीक है, बताइएगा आप लोग चीजों को। ठीक है, देखिए पॉलिटी का जो क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहला जो आया है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है एक बार बताओ मेरे को, इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से, ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित ए दिया है फ्रांसीसी संविधान, दूसरा अमेरिकन संविधान, तीसरा जर्मन संविधान और निम्नलिखित में डी भी ऑप्शन दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी दे दिया कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने क्या लगाया है आपको पता है, आप बताओ कोई बच्चा जो इस समय ऑनलाइन और जो इस सवाल का क्या आंसर लगाया है बताइए भाई, कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए इसका आंसर आपने क्या लगाया, भारत, भारत तो ऑप्शन में ही नहीं है तो ऑप्शन में आपने क्या आंसर लगाया, डी आंसर लगाया। ठीक है, चलिए देखो निम्नलिखित में से इसने तीन संविधान का नाम तो दिया है, फ्रांसीसी, अमेरिकन और जर्मन संविधान। अमेरिका संविधान तो दुनिया का सबसे छोटा और लिखित संविधान है, पता है दुनिया का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे छोटा संविधान है और किस चीज का, लिखित संविधान, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, बचा फ्रांसीसी और जर्मनी और सीधे आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसका जो है अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डाउटफुल हो सकता है कि वो क्या देता है। ठीक है, वो क्या देता है, हो सकता है जर्मनी और फ्रांसीसी में से भी कोई एक उत्तर दे दे, चूंकि फ्रांसीसी संविधान में जो दिया गया है, जो फ्रांसीसी संविधान में जो राज्य की बात की गई वो 15 राज्यों की बात की गई है। फ्रांसीसी संविधान में कितने बात की गई है, 15 राज्यों की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 92 जो है आपकी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं यहाँ पे, 92 धाराएं हैं। और जो आपका जर्मनी संविधान है यहाँ पे लगभग 18 राज्यों के बारे में बात की गई है, तो इसमें यदि इसमें से देना चाहे तो सी देगा, नहीं तो इसका आंसर तो वैसे होना चाहिए डी। ठीक है, अब ये डाउटफुल कर सकता है,
सी या डी या सी में, ठीक है। तो आपका उसके पेपर पे भी कभी कभी क्या होता है कि वैसे आंसर इसका होगा डी, क्योंकि आपका दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भारत का है, और दूसरी बात आपका कि इसमें डी ऑप्शन दिया है, इसका मतलब कि डी ही होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन पांचवें का आपका जो आपके पॉलिटी से था उसको मैंने आपको बताया। देखो, अब एक सवाल आपका आ रहा है यहां से जो साइबर कानून के विषय के बारे में बोला है। क्या बोला है जी? साइबर कानून के विषय के बारे में। अब साइबर कानून विषय के बारे में जो बोला है इसमें क्या बोला है कि साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची में होगा, राज्य सूची में होगा, अवशिष्ट शक्तियां में होगा, या संघ सूची में होगा? मेरे हिसाब से तो ए आंसर होगा। आप लोगों ने क्या लगाया है बताइए, कमेंट करिए कि जो आपने ये जो साइबर कानून का विषय है ये किस अनुसूची के अंतर्गत रखा है, किस अनुसूची के अंतर्गत आपने रखा है? आपने क्या कमेंट किया बताओ, कमेंट करके बताओ आपने क्या इसका आंसर दिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या दिया है आपने आंसर इसका भाई? तो इसका जो होगा वो क्या होगा, साइबर कानून को वैसे तो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया था, लेकिन आज के समय में देखें तो इसका आंसर आपका होगा समवर्ती सूची। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, समवर्ती सूची आपका होगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे। वैसे जो साइबर कानून है अभी किसमें आता है, समवर्ती सूची में। ठीक है, चलो अगला देखो, इसमें अगला जो है आपका आंसर, अगला आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12th नंबर का। 12th नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये ICJ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इनके भारतीय सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य अभी में है, वर्तमान में पूछा गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। मेरे हिसाब से दलवीर भंडारी हैं, ये 2017 से हमारे देश के जो है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसके बाद 2020 में इन्हें फिर से क्या किया गया, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, दलवीर भंडारी। ठीक है, चलो, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या होगा जी, सी होगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहना अपने कार अपना जो है कितना अच्छा किए हो। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन जो है सीधा सीधा जो पूछा है, एक तो वो क्वेश्चन था, दूसरा समवर्ती सूची वाला। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दिया हुआ है, इसका आंसर आपने क्या किया है बताओ। चलो, ये दिया हुआ है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो, यदि आपको स्वतंत्रता से रिलेटेड आपको पता होगा तो स्वतंत्रता आता है कहां से कहां तक, 19 से 22 तक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता की बात कर रहा है मूल अधिकार में, तो पहला ऑप्शन तो आप सीधे हटा दो। अब 19, 20 और 21 में आपको बताना होगा इसका आंसर, और कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो इसका क्या होगा, आर्टिकल नंबर 21, इसका आंसर क्या होगा भाई, बी होगा, क्योंकि इसमें बी होगा, क्योंकि इसमें जो है क्या लिखा हुआ है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो भारत में कानून दिया हुआ है उस प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता और उसके जीवित रहने के अधिकार को नहीं छीन सकता। कहने का मतलब कि यदि आप हैं और आप जीवित रहने का जो आपका अधिकार है, आपकी जो स्वतंत्रता है, उस अधिकार को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता, किसके अलावा, किसके अलावा, कानून के अलावा, किसके अलावा, जो कानून में स्थापित प्रक्रिया है वो यदि आपका छीन सकता है लेकिन और कोई नहीं छीन सकता। और ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 21 में, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है, आर्टिकल 21 में आपका होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए अब देखते हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन हमने देखा, देखो बिमस्टेक का सचिवालय, तो स्टैटिक जीके का है ये क्वेश्चन, बिमस्टेक का सचिवालय, हो सकता है मैम ने कराया हो, लेकिन मैं भी बहुत बता देता हूं इसका क्या होगा, बिमस्टेक का कार्यालय जो होगा बांग्लादेश में है।
ठीक है, और बांग्लादेश के कहां पे, ढाका में होगा, तो इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो इसका क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखें तो 23 का जो है, नागालैंड का निर्माण कब हुआ था, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आप बताओ क्या होगा, नागालैंड का निर्माण कब हुआ था, इसका आंसर आप लोगों का जो क्वेश्चन में आया है, जो मैं आपको बता दूं तो कब हुआ था भाई, 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में 30 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो किसमें हुआ था, 1963 में, कब आपका 30 नवंबर को हुआ था, कब हुआ था, 30 नवंबर को हुआ था। ठीक है, चलिए अच्छे खासे क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके हैं इसमें, तो आप लोग जो है पॉलिटी को जो है पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपका आगे वाले पेपर में भी आ सकता है। चलो अब इसमें देखो, ध्यान में रखना कि इसके अलावा जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो 43 नंबर पे मैंने देखा, 43 पे आपका जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 का जो है आपका, ये भारतीय रिजर्व बैंक का चिन्ह, वैसे तो ये क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं है, ये स्टैटिक जीके में आएगा, लेकिन जो है इसको मैंने देखा, इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आंसर बाघ होगा, कि कौन सा जानवर भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह में कौन सा जानवर होता है, तो भाई बाघ का होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 70 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो पॉलिटी से रिलेटेड आपका या आईपीसी से रिलेटेड शायद होगा, क्योंकि आईपीसी से भी 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे गए हैं, तो देखते हैं कि उसका क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कितना अच्छा रहा पेपर। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन आपने कर पाए कि नहीं कर पाया, ठीक है बताइएगा, हमारे पढ़ाने से कुछ इसमें आपको फायदा रहा या नहीं रहा, जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं बताइएगा। देखो सीआरपीसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि सीआरपीसी की इस धारा के तहत एक व्यक्ति जो वारंट के निष्पादन से बच रहा है उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, कहने का मतलब जो वारंट दिया गया है और वो उसके लिए जो है आपका उस वारंट के तहत वो नहीं आ रहा है, नहीं पहुंच रहा है वहां पे, या पकड़ में नहीं आ रहा है, भाग रहा हो, तो उसका जो है क्या होगा। ठीक है, उसका उसका किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत आएगा, तो इसका आंसर सर होगा आपका डी, आर्टिकल नंबर 83। क्या है, आर्टिकल नंबर 83 के तहत भगोड़ा घोषित किया जाता है। ठीक है, चलो तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, कैसा रहा आपका पॉलिटिक्स के सारे क्वेश्चन और आईपीसी सीआरपीसी के। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर हम देखें तो 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये एक बैज में, ये जो है आपसे पुलिस उपनिरीक्षक, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो हमारे से रिलेटेड आईपीसी सीआरपीसी और आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपका ये लिखा हुआ है जो पुलिस के संबंधित, जो आपके संबंधित है ये, कि एक बैज जिसमें 2 सितारे और एक आधा चौड़ाई का एक रिबन, आधा लाल और आधा नीला क्षैतिज रूप से व लाल रंग सितारों की ओर लगाया जाता है संबंधित है। मतलब ये बताया जा रहा है कि इसमें 2 बैज होते हैं, एक बैज होता है जिसमें 2 सितारे, ठीक है 2 सितारे हैं, एक बैज में 2 सितारे और आधा चौड़ाई का एक रिबन होता है जिसमें आधा लाल और आधा नीला होता है, लाल वाला जो रंग है वो सितारों की ओर लगाया जाता है, लाल वाला रंग जो है किधर लगाया जाता है, सितारों की ओर लगाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग ने क्या रखा है। वैसे इसका आंसर जो होगा, जो बच्चे ने लगाया है वो सही लगाया है, आपका क्या होता है, SI होता है, उप निरीक्षक होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, क्या होता है, तो सब इंस्पेक्टर का होता है। ठीक है, डबल जो आपका स्टार होता है, तो ये सब इंस्पेक्टर का आपका होता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का होता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 72 नंबर का क्वेश्चन है। आप पेपर को हल्के में नहीं लीजिएगा, पेपर बहुत जो है हल्का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे, एक बार कमेंट करके बताइए कैसा रहा जो है आपका ये पॉलिटी का सेक्शन, और बाकी सेक्शन जो है कमेंट करिएगा आप लोग। मैं देखना चाहता हूँ कैसा रहा आपका पॉलिटी से रिलेटेड और आईपीसी का क्वेश्चन। कार्तिक यादव, कोई बात नहीं, अगला आप जो है पुलिस कांस्टेबल से ही थोड़े बनना है, आप जो है पीसीएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, ठीक है, धैर्य रखो, इससे अच्छी जो है आपको शादी का ऑफर आएगा, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। चलिए, तो अब मैथ्स के सर, अब आप लोगों को मैथ के सवालों को कराएंगे, ठीक है। आशुतोष सिंह जी, मैथ के सर अब आप आ रहे हैं और मैथ के सवालों को जो है आपके सामने रखेंगे। तो देखिए आप लोग मैथ में कितना अच्छा किए हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को। हाँ भी बच्चों, नमस्कार सभी को। फटाफट से एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ मैथ के सवाल, जिन जिन भाइयों के जो जो लगा के आए हैं एक बार चेक कर लो आपके सवाल सही हैं गलत हैं क्या है, जो भी उत्तर आपको इधर उधर बताए जा रहे हैं एक बार आप सटीक उत्तर चेक कर लें, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, सीधा ऊपर नहीं पहुंचेगा क्या, डायरेक्टली नहीं होम पेज में जाएगा। हाँ जी बच्चों, देखो स्टार्टिंग से अपने देखते हैं मैथ्स के जो जो सवाल आप लोगों ने किए हैं, एक बार चेक कर लो बच्चों मैथ्स के क्वेश्चंस का उत्तर क्या आएगा, एक बार ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे पहला सवाल कौन सा है, देखो भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों क्या आंसर किया आपने इसका। स्लाइड में डाल देते हैं ठीक है। तो बच्चों यहां पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छा दूसरे पे लगा रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो इसमें आपको क्या बोल रहा है, 9/2 27/9, तो 9/2 हो जाएगा आपका, 9/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो 9/2 और इसके बाद में यहां पे आपका आ गया 27/9, तो 27/9 जो है इसको अपने उसमें खोल सकते हैं क्या, नोट 3 में खोल सकते हैं इसको, ठीक है इसका मामला थोड़ा सा, 27/9 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, बटे में देखो आपका 18/7.5, तो 7.5 को मैं क्या लिख दूं, 15/2 लिख दूं, 15/2 लिख दिया, और गुणा में कितना है बच्चे, 5/4। तो अब ये देखो आपका किस किस से कट जाएगा, संख्या कहां कहां से कट जाएगी, ये आपका ऊपर हो गया 27/2, ठीक है, और नीचे कितना बन गया, ये तुम्हारा कट जाएगा इससे, ये कटा 2, और यहां तुम्हारा कितना आ गया, यहां से 3 आ गया, और ये तुम्हारा कितना आ गया, यहां से 3, तो ये आपका 3 आ गया, 3 यहां से कट रहा है आपका, तो ये 3 आपका ऊपर वाला कट गया इससे, तो 9/2 यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना आ रहा था आपका, इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आया बोलो, आपका 4.5 उत्तर आया है कि नहीं आया, 4.5 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 4.5 इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। बच्चे आगे देखें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने, मैथ्स का और कौन सा क्वेश्चन आया, देखो मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ये भी नहीं कह सकते कि इजी है, ठीक ठाक लेवल इसका पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखना बच्चे, देखो ये आपको आरोही क्रम में पूछा है कौन सा है,
आरोही क्रम में आपको पूछा है कि इसमें से आरोही क्रम में कौन सा है, तो सीधा सीधा मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। देखो आरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा, आरोही क्रम में निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो यहां पे इनका अंतर बराबर अगर अपने कर लें, जैसे 11 बटे 14 है पहला, दूसरा क्या है आपका 16 बटे में 19, और तीसरा क्या है आपका 16 बटे में 21, इन सब का अंतर बराबर कर लो आप। यहां पे अंतर कितना है 5 का, यहां अंतर कितना है 3 का, और यहां भी अंतर है 3 का, तो तीनों को आप 15 से मल्टीप्लाई करो, या तीनों को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 55, इसको आप यहाँ 5 से करोगे तो ये बन जाएगा 80, इसको 3 से करोगे तो ये बन जाएगा 48। अब सबसे छोटा वाला कौन सा है, 48 वाला, यानी कि 16/21, 16/21 सबसे छोटा है, 16/21 सबसे छोटा है, 16/21 सबसे छोटा है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 11/14, ये रहा 11/14, और लास्ट में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 16/19 हो जाएगी। ठीक है, ये मैच कर लेना आप लोग, सही किया गलत किया है। इसके बाद अगले सवाल पे बढ़ते हैं, मैथ का क्वेश्चन आपका 9-10 सवाल आए हैं, लगभग होने वाले सवाल हैं सभी, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें तुम अटके हो, अगर तुमने वो क्लास ली है जो मैंने परसों क्लास ली थी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया था, उसमें लगभग चीजें करवा दी थी तुमको। इसके बाद में ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है ये वाला। इस क्वेश्चन को देखो क्या आंसर होगा, इसका उत्तर आएगा देखो सी आंसर, आप अगर इसका देखें तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी। कैसे हो जाएगा देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको, यहां पे इसने पूछा कौन सा सत्य है, एलसीएम तो ये देखो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 15 और 20 का एलसीएम तो 60 बनेगा, ये 120 लिख रहा है, मतलब ये वाला उत्तर तो गलत हो गया। अब इसके बाद आपको दिमाग लगाना था और इस सवाल को आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि कौन सा सत्य है, तो पहला तो आपने झूठ निकाल दिया ना, तो पहला इसमें भी है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपको पूरा सवाल तो सॉल्व ही नहीं करना था, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाता। बोलो हो गया, आगे आ जाओ, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मैथ का सवाल तुम्हारा और कौन सा है, ये तो देखो आपका रीजनिंग का सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, 4 + 12 = 36, 36 + 108 = 108, तो 108 तिया कितना हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका डायरेक्शन का सवाल आ गया, ये आपको रीजनिंग वाले सर करवा देंगे। इसके बाद में मैथ्स का सवाल और कहाँ है हमारा, ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा सवाल है कि चौथा पद क्या होगा, एनवा पद आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके मैथ में अगर आप सबसे आसान सवाल देखो ना कि कौन सा था, तो ये सबसे आसान सवाल है आपके मैथ के पेपर का, कि ये बोल रहा है चौथा पद कौन सा है, एनवा पद ये है, तो एन की जगह पे आप 4 रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12/2 = 14/5, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। ये किसका पेपर है, सारे सवाल गलत कर रखे। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल आप लेकर के चलें, अगला क्वेश्चन देखें बच्चे अपने, इसके बाद ये वाला लाभ हानि का सवाल है, इतनी बार तुम्हें क्लास में कराया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हें मेंटली करना सिखाया हुआ है कि भाई बिना कॉपी पेन से सवाल कैसे होगा। तो देखो पहले 20% की हानि थी और बाद में क्या है 5% का उसको लाभ हो रहा है, तो 25% का अंतर 100 के बराबर रख दोगे, 25% का अंतर 100 के बराबर, 1 = 4, 400 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई, 20% की हानि है, यहाँ 5% का लाभ है, तो 25% का जो मान है वो 100 के बराबर है, तो यहाँ पे बच्चे 1% = 4 है, और क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य आपका 400 हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद में ये जो भी सवाल सही गलत है, देखो आपको इसको लेकर के तनाव में नहीं आना है, जैसा भी आपका पेपर हुआ है अब आप टेंशन फ्री होके रहो, जैसा हो गया बढ़िया हो गया बस, अब जब रिजल्ट आएगा आंसर की मिला लेना, अगर बढ़िया चीज आती है, बढ़िया रिजल्ट होता है, अच्छा रिजल्ट है आपके लिए, तो आप उस पर खुश हो सकते हैं, नहीं तो आप अगले पेपर के लिए फिर से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है इस पेपर में, नहीं तो अगले में लेना है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक पेपर अगर थोड़ा बहुत कोई गलती रह गई हो तो हम उसको छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। अब ये देखो आपका चेन रूल का सवाल है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चे, देखो क्या उत्तर इसका आ जाएगा, 4 परीक्षक 5 घंटे काम करके 8 दिन में निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की दुगनी संख्या को, मतलब इसको 2 से गुणा कर दो, 20 दिनों में जांच करने के लिए 2 परीक्षकों को
ये इसका पूरा मामला है। 20 दुने 40, 8 5 40, तो 4 दुने 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं है कि हम कहें कि हमने पढ़ा कुछ और आया कुछ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो लेवल जो है इतने कंपटीशन के हिसाब से बढ़ता ही है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर में फर्क आता ही है। ऐसा हर बार आपको सेम पेपर दे देंगे तो सभी कॉन्स्टेबल बन जाएंगे, इसलिए आपकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए पेपर में थोड़ा बहुत जो है घुमाव देना भी आवश्यक है। इसके बाद मैथ का सवाल आप देखो, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ट्रेन वाला सवाल है, तो इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें से उत्तर कोई नहीं आ रहा। इसका उत्तर आप निकाल तो सकते हो लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा, तो आप देखो इसका कैसे क्या आंसर बनेगा। ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है ए बी को तो 35 सेकंड पार करती है और खंबे को 14 सेकंड में पार करती है, कौन? ट्रेन ए। और ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? 280। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 280 बटे में 14, 280 बटे में 14, यानी कि 14 दोनों 28, 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। किसकी? ट्रेन ए की। अब ट्रेन ए की चाल आपको पता है और बी को 35 सेकंड में पार करती है, तो 20 की स्पीड से अगर वो इसको 35 सेकंड में पार करेगी तो कितना हो जाएगा ये? 35 दुना 70, यानी कि 700 टोटल डिस्टेंस हो गई, जिसमें से 280 मीटर की पहली ट्रेन है, तो दूसरी वाली ट्रेन यहां से कितनी हो जाएगी? 420। आपको इसमें से कोई भी उत्तर नहीं दिया है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लो भाई फटाफट से, फिर बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाँ जी, और कौन सा सवाल आया था तुम्हारा मैथ का? देखो आगे, इसके बाद में ये क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा बेलन वाला। कौन सा सवाल आया हुआ है? बेलन वाला। तो बेलन का क्या पूछा है इसमें? बेलन का पूछा है आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने जो कल क्लास ली थी या मैंने जो परसों क्लास ली थी, मैंने बोला था शंकु और बेलन में से एक सवाल आएगा और तुम्हें चार पांच सवाल कराए भी थे। अब ये देखो सीधा सीधा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो 2πr गुणा में r प्लस h कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 गुणा में पाई, और इसके बाद में r कितना है? व्यास 28 है तो r 14 हो गया, तो r 14 है और 20 वो हो गया आपका ऊंचाई, तो 20 और 14 34 हो गए, ये कट गया आपका इस पे, तो ये हो गया 2 4 88 गुणा 34, ये हो जाएगा आपका 2300 में से हट गया 2292 उत्तर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर टी। जिसने देखो सवाल किए हैं, एक बार थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल उससे बन जाएंगे सब के सब। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो गया हो और इतना मुश्किल सवाल आ गया हो कि पता नहीं क्या ही हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक सा ही आया है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। ये देखो अब आपका ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसने कहा कि 21 मैचों के परिणाम में से 18 परिणाम वाले, 21 में से 18 परिणाम वाले, यानी कि 21 में से 18, तो 21 में से 18 चुनने हैं, लेकिन यहाँ पे विन लॉस और ड्रॉ, तो तीन कंडीशन को आपको और अरेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ये चीज आपकी बन जाएगी, ठीक है ना, तीन कंडीशन को अगर आप यहाँ पे और अरेंज करोगे तो ये आपका 3 की पावर 3 को आप और अरेंज कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ इसको लेकर के, आगे कोई क्वेश्चन बचता है क्या आपका? तो ये आपका हो गया, इसके बाद में हिंदी आ जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट किसका होगा सर? चलो अब आगे सॉल्यूशन देखो बाकी सब्जेक्ट का आप लोग, और जो भी आपका आंसर आया है मैच कर लेना, मिला लेना, एकदम तनाव में नहीं आना। अच्छा पेपर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो आपको अगले पेपर के लिए, सीईटी के लिए, ग्राम सचिव कनाल पटवारी के लिए हम लोग जल्दी ही आपके लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेके आ रहे हैं, जल्दी ही आप लोगों को वहां से क्लासेस मिलेंगी। अब आपको सर अगले पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं।
तो देखो भाई, आपके जीके जीएस के मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, और हम कहें भी हिस्ट्री के क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि भाई हमारा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग सारा का सारा सॉल्यूशन देख लेना एक बार। चलो, तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग कहें कि जो आपका क्वेश्चन आया था वो आया था, देखो हिस्ट्री का सबसे पहला हमें क्वेश्चन नौवा देखने को मिला था। तो चलो हम चलते हैं ऊपर, और हाँ, तो आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए थे और साइंस के भी क्वेश्चन थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे। और हम लोग यदि देखें कि पहला जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, जो आपका पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन था, हाँ वो देखो, वो इसमें इस प्रकार से था कि हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 था, और 9 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, देखो समझते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कलकत्ता मतलब कलकत्ता बरुआ से कौन थी। तो वो भाई असम से थी, कहां से, असम राज्य से थी। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जैसे उसमें ये पूछ लिया कि भाई महिला नेता कहां से संबंधित, तो अब आप लोगों को अगला पॉइंट ये याद रखना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस टॉपिक को आप लोग पूरा पढ़ के जाओ, इस टॉपिक को आप लोग पूरा पढ़ के जाओ भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो आप बता देंगे भाई 1942 में ये हुआ। कब हुआ, 1942 में हुआ। और या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम रहेगा भाई, समझ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो क्या रहेगा, जो आपका 9 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आपका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है भाई, चलो आगे समझते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई 20 नंबर, क्या हो जाएगा, 20 नंबर देखते हैं, समझते हैं जरा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या आया था। हाँ भाई, तो ये देखो, बिम्स्टेक का हमसे हेडक्वार्टर पूछा गया है भाई, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो इसका भाई बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपका ढाका में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, ढाका में रहेगा, तो ढाका तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, और ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की, किसकी, बांग्लादेश की राजधानी है भाई ढाका, तो ये भी आपको याद रखना है, बिम्स्टेक। ठीक है भाई, तो बिम्स्टेक का जो आपका हेडक्वार्टर पूछा गया है, जो सचिवालय पूछा गया है, वो ढाका में रहेगा। ठीक है भाई, हाँ जी, तो उम्मीद है ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपने किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन या आपके सही हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो गलत निकल रहे हैं, तो उसमें आपको स्ट्रेस फील नहीं करनी है भाई, जो हो गया हो गया, उसमें कोई बात नहीं है, बट आपको आगे की तैयारी करनी है। अब आगे हमें क्या करना है, यदि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यही सही है, तो बस सोच लो कि आप कॉन्स्टेबल बन जाते हो, और यदि बाय द वे 1% ऐसा होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्वेश्चन यदि गलत निकल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझते हैं 23, क्वेश्चन नंबर समझते हैं 23 भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, नागालैंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछता है नागालैंड के बारे में कि नागालैंड का गठन कब हुआ था, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि नागालैंड जो है वो आपका असम से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, 1963 में अलग हुआ था, 1963 में अलग हुआ था नागालैंड। ठीक है भाई, लेकिन सॉरी 1961 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, 1961 में अलग हुआ था नागालैंड, 1961 में नागालैंड अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, ये असम से अलग हुआ था। किससे, असम से अलग हुआ था। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें गठन की, निर्माण की, तो वो आपका निर्माण हो जाएगा 1963 में। कब, 1963 में हो जाएगा। तो जिस भी भाई बंधुओं ने इसका आंसर सी लगाया है, 1963 लगाया है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे नागालैंड के बारे में और भी पूछ सकता है कि नागालैंड किस राज्य से अलग हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखना, असम राज्य से अलग किया गया था। ठीक है भाई, तो 23 का हम लोग क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ठीक है, तो जिसका गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग तो सिर्फ सॉल्यूशन समझते जाओ, आगे के लिए तैयारी करते जाओ। किसके लिए, आगे के लिए आप लोग तैयारी करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है भाई, तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 29, और इसमें हम लोग समझते हैं 29 क्या पूछता है। देखो समझेंगे जरा थोड़ा सा इसको और, हाँ ठीक ठीक ठीक
हाँ तो देखो 29 जो क्वेश्चन है, 29 जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, 1908 में 12 डकैती आंदोलन या 12 डकैती कांड, इसको हम लोग 12 डकैती कांड के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको अंजाम किसने दिया, इसको अंजाम किसने दिया, तो इसको अंजाम दिया था पुलकिन दास ने दिया था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1908 का था भाई। ठीक है, 12 डकैती, इसको कांड भी बोला जाता है और 12 डकैती भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो तो 29 का हमने क्या लगाया, डी लगाया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, 37 के बारे में समझते हैं क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन मतलब ज्यादा टफ नहीं थे, जिसने पढ़ा है भाई, दिल से जिसने पढ़ा है, जिसने दिल से मेहनत करी है, उसका तो बस ऐसे समझ लो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उसका तो कांस्टेबल बनना तय है। ठीक है भाई, चलो समझते हैं भाई। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37, पुर्तगाली यात्री यूनिज, पुर्तगाली यात्री यूनिज विजयनगर साम्राज्य में कब आया या विजयनगर दरबार में कब आया, तो यूनिज के बारे में पूछा गया है। अब देखो एक पॉइंट और आप लोग समझ लो, अब पुर्तगालियों के बारे में पूछा गया है, तो पुर्तगालियों के बारे में हमने आपको बताया है। हालांकि देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला पुर्तगाली भारत कब आया, तो आप बताएंगे भाई पहला पुर्तगाली भारत आया 1498 में आया, 1498 में आया। ठीक है भाई, कब आया, 1498 में आया, और इसी डेट को, इसी डेट को 20 मई भी पूछ सकता है आपसे, 20 मई 1498 में, और ये आया था वास्को डी गामा, जो कि केरल के कालीकट में पहुंचा था। अब पता है एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वास्को डी गामा केरल के किस कालीकट, केरल के किस बंदरगाह पे पहुंचा था, तो ऑप्शन में भाई कालीकट नहीं था, ऑप्शन में था कप्पक डाबू बंदरगाह, तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे, कप्पक डाबू बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह का उपनाम है। ठीक है भाई, तो भाई देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसी चीज से सारी चीजें क्या करके चलेंगे, रिलेटेड करके चलेंगे, समझ रहे हैं। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका हमारा राइट आंसर रहेगा भाई बी रहेगा। ठीक है, 1535 रहेगा, क्या रहेगा, 1535 में, क्लियर है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो, तो जो यूनिज यात्री है, जो पुर्तगाली था, वो विजयनगर साम्राज्य में आया 1535 में आया। ठीक है भाई, 1535 हमारा सही रहेगा। हाँ जी, दो क्वेश्चन हो गए, चलो बहुत बढ़िया, तो आगे समझते हैं, आगे क्वेश्चनों को समझते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है हमसे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो भाई साहब देखो ये तो हरियाणा का है और आपका बिल्कुल मतलब छूटना नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जिस भी भाई बंदियों ने इसका बी आंसर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, तो बी हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, यानी 1970 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है भाई, है ना, 1970, जी बिल्कुल, काफी साथियों का कमेंट भी आ रहा है कि 1970 1970। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जिसका गलत हुआ तो कोई मतलब शोक नहीं मनाना कि भाई मेरा गलत हो गया, आप क्या करें, कोई बात नहीं भाई, पहला अटेम्प्ट था आपका, पहली बार था, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं जरा ये हमसे क्या कह रहा है। हाँ देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह में कौन सा जानवर है, अब देखो आपने देखा होगा कौन सा जानवर है, तो ये बाघ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाघ, जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो साइन है उसमें बाघ मतलब जानवर बनाया गया है, बाघ का साइन स्थित है। ठीक है, तो इसका भी बी आंसर हमारा क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन समझते हैं 76, जो कि आपका इंपोर्टेंट रहेगा, हालांकि उस क्वेश्चन से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी और उससे भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जानने के लिए। ठीक है भाई, तो 76 के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, तो ये देखो, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का मानक मध्य रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, भारत का मध्य मानक रेखा किस शहर से गुजरती है। यदि आपसे यहां पे पूछ लेता कि भारत की मानक रेखा किससे गुजरती है,
यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत की भारत की मध्य मानक रेखा ये आपकी मिर्जापुर से गुजरती है, कहां से? मिर्जापुर से गुजरती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, देखो जो ये मध्य मानक रेखा है इससे हमारा क्या होता है, समय निर्धारित होता है, समय। और ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि भारत की जो मध्य मानक रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर स्पर्श करती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है भाई, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जीके जीएस पर आधारित थे, हिस्ट्री पर आधारित थे, इनका हमने क्या किया, निर्धारण किया। ठीक है भाई, हाँ जी। तो भाई आज के एग्जाम को देख के आप लोगों को क्या लगा हुआ बताना है? तो आज का एग्जाम जो आप लोगों ने देखा है, तो देख के क्या लगा हुआ है? बिल्कुल भाई, ओके। गई भैंस पानी में। भाई इनका कोई भी आइडिया नहीं है क्या डाल दें, कैसा एग्जाम दे दें, कुछ भी पता नहीं है। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी इस सेशन को देखते हुए हम लोग अभी एक बायो का सेशन लगवाएंगे, ठीक है? अभी इस सेशन के खत्म होते ही बायो का सेशन आएगा, क्योंकि बायो के 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, तो बायो का सेशन आपको देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। देखो अब इन्होंने भी सोचना चाहिए भाई। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको 1 by 1 समझा देता हूं, ठीक है? रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है, मैम तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैम नहीं आ पाए तो हम लोग समझाएंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है? देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 10 पे, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन 10 है भाई, सिलोक का क्वेश्चन है, सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, सिलोक का, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 1 by 1। हाँ ओके, आवाज बंद आ रखी है, चलो फिर देखता हूँ मैं आवाज का कुछ किया जाए तो। नहीं दो, भाई पहली बात तो ये नहीं समझ आया कि एग्जाम आज 2 हैं 3 हैं 5 हैं, कितने टाइप के एग्जाम दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है। जैसे ही आइडिया होगा पता लग जाएगा अभी एक घंटे में कि बच्चों के मैक्सिमम के मैसेज आ चुके हैं। अभी मुझे 2 एग्जाम तो मिल चुके हैं, अलग अलग है दोनों। अब देखो एक ही टाइम पे दोनों का तो सोल्यूशन शायद में भी पॉसिबल नहीं था, बट क्या जिसका पॉसिबल था, जो हमें यहाँ पे मिला मैंने वो लगा दिया, कोशिश की हम लोगों ने सोल्यूशन देने की। बट जिनका नहीं हो पाया, बच्चे आपके लिए भी कुछ नई चीज सोचते हैं भाई, उसकी की डलवा देंगे हम लोग, जो सेकंड एग्जाम उसकी की हम लोग डलवा देते हैं, ठीक है? हाँ ओके। देखो रीजनिंग का 10वां क्वेश्चन भाई, ये था सिलोक का क्वेश्चन, आप लोग जानते हो इसका मैम के अकॉर्डिंग है, जितने रीजनिंग क्वेश्चन हो दीपिका मैम के अकॉर्डिंग है, मैंने नहीं सोल्व किया है, ये दीपिका मैम ने की भेजी है, दीपिका मैम के अकॉर्डिंग है भाई, क्योंकि वही पढ़ाते हैं, वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या अपना सॉल्यूशन दे दिया है। 10वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, जिस भी बच्चे का एग्जाम था वो लिख लेना, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 के बाद जो क्वेश्चन है वो है 18, 10 के बाद जो क्वेश्चन था रीजनिंग का वो है 18 क्वेश्चन, उसका भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 18 क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है? हाँ 18 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 18 में क्या बोला गया है भाई, हाउ आर यू को लिखा जाता है ने, कल से, और ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया है यू को क्या लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी आएगा इसका एन ई, एन ई इसका जवाब होगा, 18 का ऑप्शन बी एन ई आएगा, ठीक है? मैम के अकॉर्डिंग ये दीपिका मैम ने इसका सोल्यूशन दिया है। उसके बाद है 18 के बाद क्वेश्चन 26, 26वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 26वां क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं, चलो 26 में है पंजा बिल्ली का होता, खुर किसके होते हैं, घोड़े के होते हैं, है ना? तो 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तो आसान सा था भाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक सभी ने लगा दिया होगा, है ना? उसके बाद है क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, ठीक है? कोई भी फैमिली है जिसके 6 सदस्य हैं ए बी सी डी ई और एफ, ए बी विवाहित हैं, ए जो है वो मेल है,
डी है जो सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है, है ना। ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है, जो बी है वो एफ की बहू है। तो जिसके किसके पति जा चुके हैं, चल बसे हैं, है ना। तो ये पूछा गया है भाई। तो 33 का जो ऑप्शन मैम ने दिया है वो आएगा सी, बहनोई। मैम ने जो जवाब दिया इसका ऑप्शन सी, 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आसान सी रीजनिंग है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। 33 के बाद है 38वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन भी आ चुका है, देख लेते हैं, है ना। 38वें क्वेश्चन में ये दिया गया है भाई, आपकी एक इमेज है, ये शीशा बीच में लगा दिया, एफ आई टी एच आर ओ, मतलब ये कैसे क्या दिखेगा, कुछ ऐसा पूछा गया है। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए आप लोग देख लेना इसको ध्यान से। उसके बाद चलते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन पे, 42वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 42वां क्वेश्चन, पांच व्यक्ति हैं, सिटिंग का क्वेश्चन दे दिया, बताओ भाई कहां पुलिस के बच्चे थे, नादान बालक थे, और नादान बालक को अगर हमने ये क्वेश्चन पकड़ा दिए हैं, बताओ कैसे निकाल लेंगे। बैंक के क्वेश्चन ये, बी सी के बाएं बैठे हैं, सी डी के बाएं हैं, विजय अनिल के दाएं हैं। चलो अनिल का नाम यहाँ भी आ गया, इंग्लिश में तो आता ही है, यहाँ भी आ गया, चलो ठीक है। तो 42 का ऑप्शन सी मुकुंद इसका जवाब आएगा, जिसका भी मुकुंद आया हुआ है भाई वो उसका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद 42 के बाद है 45वां क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन अपने लायक था, है ना। ये इसका तीन गुणा, ये इसका तीन गुणा, ये इसका तीन गुणा, तो इसका तीन गुणा हो जाएगा 24 और 324 आ जाएगा। 45 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब मुझे भी आता था, एक क्वेश्चन तो पक्का था, यदि मैं एग्जाम देता तो इसको निकाल देता, है ना। चलो 45 के बाद आ जाओ 47 में, लो भाई जतीन पे चलते हैं। जतीन का क्वेश्चन है, जतीन अपने ऑफिस से सीधा 400 m चलता है, बाएं मुड़ के 500 m सीधा चलता है, अगेन बाएं मुड़ता है 400 m सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है 600 m चलता है, तो वो ऑफिस से कितने डिस्टेंस पे है, है ना। ये 47वां क्वेश्चन है, 47 का ऑप्शन डी आएगा भाई, जिसने 1.8 लगाया है। मैम ने बताया इसका जवाब 1.1, ये मैम के अकॉर्डिंग इसका जवाब है 47 का ऑप्शन डी, 47 का ऑप्शन डी, है ना। उसके बाद आगे बढ़े, 47 के बाद आगे लेके चलता हूं मैं आपको, 47 के बाद 59 पे, 59 क्वेश्चन, 59 ठीक है। एक दिन में 4 बजे से 5 बजे के बीच में किस घड़ी को सेट किया जाए कि वो 4 से 5 के बीच में, है ना। तो ये भाई टाइम बताना है, एंगल इसमें बताना है, समवर्ती होंगे, मतलब हाँ कितने पे वो घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 4 से 5 के बीच में। तो आसान है, देखो एक चीज जो होता ना, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 10 से, 10 से डिवाइड ये नहीं हो सकता, होता 10 से डिवाइड ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 59 का ऑप्शन ए। भाई इन दोनों का जो सम होता है वो 10 से भाग होना चाहिए। जब भी पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में, कभी क्वेश्चन आए आपसे पूछा जाए कि घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी इतने के बीच में, तो ऑप्शन को उठाओ, ऑप्शन के जो ऊपर वाले दोनों होते हैं इनको जोड़ के देख लो, जो 10 से भाग होगा वही आपका जवाब हो जाएगा, जो 10 से भाग होगा वही आपका जवाब हो जाएगा। तो यहां पे जाओगे 21, 9, 30, 30 10 से भाग होता है तो ऑप्शन ही आपका हो गया, है ना। 59 के बाद आगे चलते हैं, 59 के बाद आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 63 पे देख लेते हैं, ये आ गया भाई। 60 कक्षा की एक क्लास है जिसमें लड़कियां लड़कों की दुगनी है, लड़कियां ज्यादा हैं, नीतीश का स्थान ऊपर से इतना है, यदि नीतीश से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़कों का स्थान उनसे आगे होगा, मुझे नहीं पता भाई, बता देता हूं मैं तो, है ना। इसका ऑप्शन बी आएगा, 12 आएगा इसका ऑप्शन। अब जिस भी बच्चे ने 12 लगाया है वो दिवाली अच्छी बन गई होगी, जिसने नहीं लगाया है टेंशन मत लेना, हम लोगों की दिवाली अच्छी बनेगी, है ना। चलो 71 क्वेश्चन, क्वेश्चन 71 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। निम्नलिखित संख्या क्रम का अध्ययन कीजिए, उसको इसमें कितनी विषम संख्या है जिसके तुरंत बाद एक आता है। आपको एक संख्या दी गई है, 1 by 1 संख्या दी गई है, तो इन संख्याओं में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके एग्जैक्ट बाद में केवल एक आता है, जिनके एग्जैक्ट बाद में एक आता है, ऐसी विषम संख्याएं आपको निकालने, अच्छा जिसके तुरंत बाद एक विषम संख्या है, एक नहीं आता, एक विषम संख्या आती है, विषम के बाद विषम आती है ना। यदि मैं यहां पे देखूं भाई, विषम के बाद 7 के बाद 3 विषम आ गया, 5 के बाद 7 विषम आ गया, 2 हो गई, 3 के बाद 1 सम विषम होता ही नहीं है। तो मैम ने जो इसका जवाब दिया 71 का सी ऑप्शन,
चार से अधिक है ना, दो तो मैंने ही काउंट कर लिया, बाकी आप लोग भी देख लेना, चार से अधिक मैम ने बोला है, अब मैम से पूछ लेना कैसे उन्होंने निकाला है। ठीक है, ये था आपका 71 क्वेश्चन। आगे बढ़ूं है नलायको, आता है कुछ? कहता था पढ़ लो भाई इंग्लिश पढ़ लो ना, हम ना पढ़ा इंग्लिश ना पढ़ो तो हमें है अकल आ गई होगी ना आज, तो अब तो इंग्लिश पढ़ोगे भाई या अब भी छोड़ के जाओगे इंग्लिश को, अब तो पढ़ लोगे। दिए गए जो ऑप्शंस है उस पद को चुने जो दो पदों के बीच सही संबंध को दिखाता है, एफ जे यू एल बी ओ क्यू यू क्यू, यानी कि जो संबंध एफ जे यू एल बी ओ क्यू क्यू में है तो एल एच आर एक्स, इनका संबंध किस ऑप्शन से होगा अब ये आपको बताना है। अब देखो एफ की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, जे की वैल्यू कितनी है 10 है, ओ की वैल्यू कितनी है भाई, ओ की तो 15 होती है, यू की वैल्यू कितनी है 21 होती है, क्यू की वैल्यू 17 होती है, एल की वैल्यू कितनी है 12 होती है और क्यू की वैल्यू 17 होती है, इनमें दो का गैप, इनमें कितने का 5 का, इनमें 4 का, इसमें 5 का। अब मतलब कोई ऐसा आइडिया अंदाजा आपको लगाना जैसे भी हो सकता है, 75 का ऑप्शन बी आएगा, बस मुझे तो इतना पता है एच एम एन सी। अब ये कैसे निकालना ये आपकी मैम आपको बता देंगे, जब भी वो क्लास लेंगे वो आपको बता देंगे इसका जवाब कैसे निकालना है। कितने पेपर आए हैं आज रीजनिंग के, तो घाटा नहीं भाई बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, 11-12 क्वेश्चन है रीजनिंग के, आप रीजनिंग की क्लास किसी भी कीमत पे मत छोड़ना ठीक है ना। 80वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 80वें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक शब्द दिया हुआ है इसके पहले दूसरे चौथे पांचवें छठे अक्षर से ए से शुरू होने वाला सार्थक शब्द बनाया गया है, तो शब्द के माध्यम में कौन सा आंसर होगा बताओ भाई, लगा लो दिमाग है, अब लगाओ दिमाग कैसे लगाओगे। तो इसका जो जवाब मैम ने दिया है 80 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका जवाब दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका जवाब दिया हुआ है ठीक है। हाँ देखो बुलाना यहाँ पे किसी को, चलो भाई ये था आपका रीजनिंग का। अब एक दो क्वेश्चन आपका हरियाणा का सीए का आया हुआ है, राकेश सर ने उनका जवाब भेजा है 52 क्वेश्चन, देख लेते हैं उनका भी। ओके पहले आठवें 52 क्वेश्चन में चलते हैं, पहले सर बस हो गया 5 मिनट में, 52 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 52 पांच भी लगेंगे तीन लगेंगे 52 क्वेश्चन देखो भाई कहां 52 क्वेश्चन 49 ये आ गया है ना, 52 क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई, इसका जो जवाब होगा भाई 52 का जो जवाब मिला मुझे ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव वाला ऑप्शन होगा, 52 का ए जवाब होगा ठीक है। ये राकेश सर जो आपके अपने जीके पढ़ाते हैं उन्होंने दिया हुआ जवाब है, मुझे मत बोलना। आठवें क्वेश्चन और 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आठवां क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, हाँ ये है फुटबॉल का अंतिम मैच, ये कब था कोई इसका फुटबॉल का जो अंतिम मैच था वो कहां पे हुआ ये पूछा गया, आठवें का ऑप्शन है कलकत्ता में, कलकत्ता में इसका जवाब आ जाएगा, इसको देख लेना आप लोग। 22वां क्वेश्चन बता देता हूं आपको जाते जाते है ना, 22वां क्वेश्चन आपको देख लो भाई, 22वां निम्नलिखित में से किस राज्य के वायु देवता पेंशन योजना, अच्छा ये भाई PVDPS आरंभ की गई, इसका तो सभी का आ गया, अगर अपने स्टेट का एग्जाम है तो अपने स्टेट की बातें पूछेगा, तो 22 का ऑप्शन ए ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन थे कुछ आपके एग्जाम्स के, अच्छा एक बार सभी बच्चे हाँ ओके बहुत बढ़िया ठीक है। तो ये था आज का आपका एनालिसिस, हाँ बुला लो, तो भाई ये था एनालिसिस कैसा, यहाँ से बंद नहीं होगी, वहां से होगी लाइव वहां पे है। तो ये था भाई आपका एनालिसिस, कोशिश कीजिएगा अच्छे से चेक कीजिएगा एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही है आप लोग बताइएगा, कैसा लगा आप लोगों को आज का एग्जाम देख के, कैसा आपको लगा हुआ है आप लोग बताइएगा ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे, एक नया गिफ्ट आपको मिलने वाला है, नया एग्जाम आपको मिलने वाला 5 बजे, अभी एक बायो का सेशन होगा 2:30 बजे, बायो का सेशन होगा, जैसे आज बायो के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पे बेस्ड बायो की क्लास आपकी लगने वाली है।
सभी बच्चे क्लास ले लेना ताकि आप लोगों को पता लग जाए, अकल आ जाएगी आप लोगों को भाई किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और बायो के 8 क्वेश्चन का मतलब बहुत ज्यादा है, तो बायो का सेशन ले लेना अभी के अभी इस सेशन के खत्म होते ही, जिसका एग्जाम कल है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम 5 बजे एक नए सॉल्यूशन के साथ, नए एग्जाम एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।